महमूद नसरुल कादरी शोबा फोर्सेस तहरीक मिलादुल फ्रांस से। आज जिस तारीख साज क्लास का आगाज होने जा रहा है, कायनात रूह कायनात सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्ला अलैहा की सीरत तैयबा के हवाले से तारीख में पहली मरतबा खासतौर पर तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से एक ऐसा शानदार अजीम तारीख साज कोर्स जिसकी नजीर पहले नहीं मिलती, और इस कोर्स का नाम ही एक कैफियत का नाम है, नाम है एक एजुकेशन का नाम है, वहां पर ये एक कोर्स कैफियत का भी नाम है। ऐसी कैफियत जो कैफियत ईमान है, जो कि हालत ईमान है, मेरी मुराद वो अजीम शान कोर्स, तारीफ साज कोर्स, द मोस्ट अवेटेड कोर्स, मनम गुलाम दर जहरा। इस कोर्स को लेकर यकीनन शोबा कोर्सेज की तमाम टीम बहुत एक्साइटेड है, इस तरह आप लोगों ने एक्साइटमेंट का मुजाहरा किया, और हम रजिस्ट्रेशन वसूल कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कल भी होती रहेंगी। आप लोग वेट कर रहे होंगे जूम ऐप पे, तो कई लोग जूम ऐप पे ऐड हो गए हैं, लेकिन जो नहीं ऐड हो सके तो वो हाफिज सईद रजा बगदादी साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस कोर्स के आगाज के लिए और आज इस क्लास की को शुरू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तिलावत कलाम मजीद के लिए कारीउल कुर्रा उस्ताजुल कुर्रा फखरुल कुर्रा इल्म मकामात के माहिर मोहतरम कारी खालिद हमीद काजमी साहिब शाह साहिब के, जो तिलावत कलाम मजीद से आज की क्लास का आगाज करेंगे। मोहतरम कारी खालिद हमीद काजमी साहिब, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله
أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. سبحان الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. ठीक है फिर कोई नहीं। बहुत शुक्रिया किबला कारी खालिद हमीद कादमी शाह साहिब। आज की हमारी इस महफिल पाक में मोहतरम खालिद साहिब ने ज्वाइन करना था लेकिन इंटरनेट की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो हम मोहतरम कारी खालिद हमीद काजमी शाह साहिब से ही गुजारिश करते हैं कि वो कोई कलाम पेश फरमाएं हुजूर सैयदाए कायनात की शान में, आका अलैहिस्सलाम की शान में कोई ऐसा कलाम पेश फरमाएं जो आज की हमारी इस महफिल की रौनक बने और हमारे जो सामईन हैं सुनने वाले वो उसको एंजॉय कर सकें। मोहतरम कारी खालिद हमीद काजमी शाह साहिब कलाम पेश फरमाते हैं। صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اے رسول امین خاتم المرسلین تو اس نہ کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے
तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस जमीन में हुआ, इस जमीन में हुआ, आसमां में हुआ, क्या रब क्या जम, सब है जेरे नगीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला खुद सजाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम जुमला हाज़रीन व सामईन, अब वो घड़ियाँ बिल्कुल करीब आ रही हैं कि जब हम इस तारीख साज कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि इस कोर्स में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे हम सब के उस्ताद, हम सब के मेंटोर और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के वो अजीम फरजंद, वो अजीम शागिर्द कि जिन्होंने पिछले 17 से 18 साल के दौरानिए में वो अजीम शान कोर्सेज तरतीब दिए, जिनमें सबसे बड़ा कोर्स इरफानुल कुरान कोर्स, डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ और दीगर कोर्सेज जिनका ताल्लुक कुरान मजीद से है, तजवीद वल किराह से है और दीगर बहुत सारे उलूम और फ़नून से है। मेरी मुराद मोहतरम सर हाफिज सईद रज़ा बगदादी साहब, वो इस क्लास में इंशाअल्लाह अज़ीज़ तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आप जो लोग इस क्लास में शरीक हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ तक लोग इस क्लास में मौजूद हैं और जो लोग अपने घरों में मौजूद हैं या अपने ऑफिस में मौजूद हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लास में बावजू हालत में शरीक हों। सैदा कायनत सैदा फ़ातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हमने खराज तहसीन पेश करना है, आपके फ़ज़ाइल व मनाकिब का भी इजहार करना है, आपकी लाइफ स्टोरी को भी बयान करना है आपके सामने, आपकी ज़ात मुकद्दसा के हवाले से जहनों में उठने वाले सवालात के जवाबात भी देने हैं, ईमान अफरोज़ बातें भी होंगी आपके सामने, इश्क के जाम भी छलकेंगे। बहुत बड़ी क्लास होने जा रही है। मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग अपनी डायरीज़ को अपने पास रखें, अपने साथ रखें, जो अहम चीज़ें आप महसूस करें वो नोट डाउन करें,
और कुछ सवालात भी हम इंशाअल्लाह और अजीज आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे, उन सवालात के भी जवाब दें। मैं बिला ताखीर दावत देने जा रहा हूं हम सब के उस्ताद मोहतरम सर हाफिज सईद रजा बगदादी साहिब को कि तशरीफ लाएं और सर इस क्लास का बाकायदा आगाज फरमाएं। बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك يا من ترنمت بثنائه ورق اللسان وتغنمت بتحليله عناديل الكيان ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم पूरी दुनिया से अजीम शान कोर्स मनम गुलाम दरे जहरा के शुरका मैं आज आपको शोबाए कोर्सेज तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से समीम में कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूं और खुश आमदेद कहता हूं। हाजरीन नजी वकार, हम आज एक तारीख साज कोर्स में दाखिल हो रहे हैं, एक तारीख साज क्लास में दाखिल हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के इख्तिताम तक अगर हमने पांचों लेक्चर्स को बगौर अटेंड किया तो कोई वजह नहीं कि हमें सैयदाए कायनात हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाही अलैहा आपके खानदान ने मुबारक के हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से, आपके फजाइलो मनाकिब के हवाले से, इसके साथ साथ फिर आपकी जिंदगी के अहवालो वाकियात के हवाले से और आपकी सीरतो किरदार के हवाले से कि बतौर बेटी, बतौर माँ, बतौर बहन के आपका किरदार कैसा रहा, बतौर बीवी आपका किरदार कैसा रहा और हमें मिन हैसुल उम्मत अहले बैते अतहार के साथ ताल्लुक कैसा रखना चाहिए, ये पूरी की पूरी आउटलाइन जो है इस हवाले से एक वसी मालूमात इंशाअल्लाह ताला हमें मैसर आएंगी। इस कोर्स का इनेकाद बिला शुबा सिर्फ और सिर्फ आकाली सलात व सलाम हुजूर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके अहले बैत अतहार और सैयदाए पाक की नौकरी को पुख्ता करने के लिए किया गया है ताकि कल क्यामत के रोज हम सब मिलकर सैयदाए कायनात के हुजूर अपनी हाजिरी पेश करें और सैयदाए कायनात अपने बाबा सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए हमारी शफात फरमाए क्यामत के रोज। हाजरीन अजी वकार, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो सैयदाए फातिमा जहरा सलामुल्लाही अलैहा आपके खानदान मुबारक के तारुफ पर है। इससे पहले कि हम उस तारुफ की तरफ जाएं, मैं इस कोर्स की अहमियत के लिए एक दो जुमले और अर्ज करना चाहूंगा। सही मुस्लिम में है अकाली सलातम ने इरशाद फरमाया, 30 नंबर 6225 है, हुजूर ने फरमाया व अना तारिकुन फीकुम थकलैन, और मैं तुम में दो बहुत बारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अव्वलुहा किताबुल्लाह, पहली चीज जो है वो अल्लाह की किताब है। व अहलु बैती,
और मेरे अहले बैत अतहार हैं, दोनों बहुत बारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। और आका अली सलातो सलाम ने फिर मुखरुज़्ज़िक्र जो आखिरी चीज है यानी व अहलु बैती, उस हवाले से हुजूर ने तीन दफा रिपीट किया, फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। लोगों में तुम्हें अपने अहले बैत अतहार के हवाले से अल्लाह पाक से डराता हूं, उनके हक के हवाले से अल्लाह पाक की याद दिलाता हूं। हाजरी नजी वकार, आपके इल्म में है कि शोबा कोर्सेज तहरीक मिनहाजुल कुरान वक्तन फवक्तन अपने क्याम से लेकर आज के दिन तक हमेशा कुरान पाक के कोर्सेज का इनेकाद करता है, ता उनका ताल्लुक तजवीदुल कुरान से हो, तर्जमतुल कुरान से हो, तफसीरुल कुरान से हो, अरबी ग्रामर से हो, अरबी लैंग्वेज के साथ हो, इन जुमला टेक्निकल फनून और उलूम के ऊपर गुफ्तगू होती है। लेकिन हमने चाहा कि चूंकि कुरान और अहले बैत अतहार दोनों हुजूर ने फरमाया यूं इकट्ठे चल के हौजे कौसर पे क्यामत के रोज मेरे पास आएंगे, तो आका अली सलातो सलाम की वो हदीस मुबारका तो आपने समात फरमाई है, उसकी रोशनी में नाजरीन मुकर्रम हमने चाहा कि क्यों ना हम जहां कुरान पाक के साथ उम्मत का और नौजवाना ने उम्मत का ताल्लुक पुख्ता करने की एक अपनी हकीर और आजिजाना कोशिश और सही कर रहे हैं, उसके साथ साथ अहले बैत अतहार के साथ भी अपनी गुलामी का जो एक ताल्लुक है वो पुख्ता किया जाए। उस हवाले से ये अजीम शान कोर्स आज इनेकाद पजीर है। जहां तक मेरी मालूमात हैं, दुनिया में इससे पहले इस मौजू के ऊपर टेक्निकली मबाहिस, इल्मी मबाहिस और पूरा एक मवाद एक ही स्टेज के ऊपर कभी नहीं दिया गया, किताबों में मुतफर्रिक मौजूद है। तो आप सारे अहबाब खुशकिस्मत हैं कि जो इस अजीम शान मौका से फायदा उठा रहे हैं। यहां मैं तहरीके मिनहाजुल कुरान का जो अजीम शान अकीदा है और वो अकीदा जो अहले सुन्नत वल जमात जिसके 1400 साल से हामिलीन हैं, उसका जिक्र करते हुए आगे बढ़ूंगा। तहरीके मिनहाजुल कुरान का आज के दौर में अकीदा यह है कि जब हम अहले बैत अतहार की बात करें तो उनकी मोहब्बत और मवद्दत की बात तहरीके मिनहाजुल कुरान से बढ़कर कोई करने वाला नहीं है। और अगर बात अदबो ताजीम सहाबा की और दिफाए शाने सहाबा की हो तो उसमें भी तहरीके मिनहाजुल कुरान से बढ़कर इस अकीदे का फरोग करने वाला कोई नहीं है। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि दीन एक परिंदे की मानिद है, उसका एक पर मवद्दत और मोहब्बत अहले बैत है और उसका दूसरा पर सहाबा किराम की अदबो ताजीम है। फरमाते हैं बदकिस्मती ये है कि एक उम्मत ने, एक तबके ने एक पर काट के रख लिया, दूसरे तबके ने दूसरा पर काट के रख लिया, अब दीन का परिंदा फड़फड़ा रहा है, वो उड़ नहीं सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता, वो दुनिया में गलबा नहीं पा सकता, हम कारे जिल्लत की यथा गहराइयों में सिसक रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि आज उम्मत के एक हाथ में अदबो ताजीम सहाबा हो और दूसरे हाथ में आका अली सलातो सलाम के अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत हो, तभी ये दीन आगे बढ़ सकता है, दीन की कदरें जिंदा हो सकती हैं और उम्मत मुसलमा को एक खूबसूरत इत्तेहाद की शक्ल में एक अजीम मकाम मिल सकता है। हाजरीन अजी वकार, वक्त उसमें दामन में गुंजाइश बहुत कम है, 25 मिनट गुजर चुके हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपने मजमून को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाएं। मैं ख्वाहिश रखता हूं कि आप अपनी नोटबुक्स अपने पास रखेंगे, पेन और पेंसिल्स अपने पास रखेंगे। दौराने क्लास आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, हर रोज 5 सवाल मिलेंगे, उन 5 सवालों में से एट द एंड ऑफ द कोर्स आपने 3 सवालों का हर क्लास में सही जवाब देना जरूरी है इस कोर्स का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। याद रखें, सर्टिफिकेट की फीस नहीं थी जो आपसे ली है, ये कोर्स फ्री है, मगर सर्टिफिकेशन के मनम गुलामे दरे जहरा उसके एक्सपेंस के हवाले से आपसे 500 रुपया चार्ज किया गया है। और फिर आपसे ये भी कहा गया कि जो अहबाब ये देने की इस्तेतात नहीं रखते वो राबता करें और बगैर 500 रुपए के वो इस क्लास में शामिल हो जाएं। कमाल था। तो हाजरीन मुकर्रम, इसके साथ साथ फिर जैसे मैंने अर्ज किया
टोटल 25 सवाल होंगे इस कोर्स के अंदर, और वो सवाल दोराने कोर्स ही में अभी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आज के लेक्चर के 5 सवाल आपके सामने पहले आ जाएं। जो ही आपके सामने सवाल आ जाएंगे पर्चा आउट हो जाएगा, तो कम से कम आपको इल्म होगा कि हमने बगौर पूरे लेक्चर को सुनना है और देखना है कि कौन से सवाल का कौन सा कहां पे प्रॉपर जवाब है, ताकि आप उसको राइट डाउन कर लें। अब हम मेरी जो गुफ्तगू है, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो जरूरत नहीं है कि ज्यादा पॉजेज लिए जाएं, रुक रुक के गुफ्तगू की जाए तो हर चीज रिकॉर्ड में आ जाएगी। मवाद चूंकि ज्यादा है तो हम बिला ताखीर अपने इस कोर्स की पहली क्लास का आगाज करना चाहेंगे। कलंदर लाहौरी हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस अजीम शान खराज तहसीन से जो उन्होंने सैयदा कायनात तय्यबा ताहिरा जाहिदा साजिदा राकिया आपकी बारगाह में पेश किया, उससे आगाज करना चाहेंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मरियम अद यक निस्बते ईसा अजीज अज सह निस्बत हजरत जहरा अजीज, कि मरियम अलैहि सलाम को तो एक निस्बत थी जिसने उसका मकाम उनका मकाम बुलंद किया और वो ईसा अलैहि सलाम की वालिदा हुई, मगर अज सह निस्बत हजरत जहरा अजीज सैयदाए जहरा सलामुल्लाह अलैहा आप तीन निस्बतों की आली शान निस्बतों की वजह से अजीज तर हो गई। फरमाते हैं, पहली नूर चश्मे रहमतुल्लिल आलमी आ इमामे अव्वलीनो आखिरी, और फिर बानुए ताजदारे बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तदा मुश्किल कुशा शेरे खुदा मादिरा आ मादिरे आ मरकजे पुरकार इश्क मादिरे आ कारवां सा लार इश्क, और फिर फरमाते हैं, रिश्ताए आईन हक जंजीरे पास्त पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा अस्त वरना गिरदे तुरबतश गर्दी दमी सजदाहा बरखा के ऊ पाशी दमी। आखिरी जो चीज है वो फरमाते हैं कि अगर सैयदाए पाक के हवाले से अगर आईन हक अल्लाह पाक का आईन इस्लाम का कानून अगर मेरे पाओ की जंजीर ना होता और अगर मुझे आका अली सलातो सलाम के फरामीन का पास ना होता तो फिर इकबाल क्या करता, वरना गिरदे तुरबतश गर्दी दमी, तो फिर मैं सैयदाए कायनात की रोजाए पाक का आपकी कब्र अनवर का तवाफ करता और सजदहा बरखा के ऊपाशी दमी और आपकी कब्र अनवर की खाक पर सजदे करता। ये हदिया यकीदत इकबाल की जुबान में और हम सब की जुबान में सैयदाए कायनात की बारगाह में पेश करने के बाद, और फिर इस कोर्स से मुंसलिक पूरी दुनिया के शुरका की तरफ से सैयदाए पाक की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के बाद, हम सब बतौर सवाली सैयदा की बारगाह में आके बैठ गए हैं, आज बैठ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आका अली सलातो सलाम की इस अजीम शान शहजादी जिनको लकब मिला है सैयदाए निसा इल आलमीन का, पूरी कायनात की खवातीन की सरदार जिनको बनाया गया उनके अजीम खानवादे के हवाले से। हाजरीन अजीम मुकर्रम, आपका जो खानवादा है इस खानवादा को हम चाह रहे हैं कि हम लें आका अली सलातो सलाम के आबाओ अजदाद से, वहां से लेकर कोशिश करेंगे आज के हजरत इमाम महदी अलैहि सलाम तक सारी गुफ्तगू करें, और मोटे मोटी जो बड़ी शख्सियात जो आइम्मा अहले बैत में हुई हैं उनका तज़करा किया जाए। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं आका अली सलातो सलाम के अबाउ अजदाद की तरफ। अबू सुफियान जब हालते कुफर में थे तो बादशाह रूम हिराकल के दरबार में खड़े थे, उसने पूछा था कि अबू सुफियान जिस नबी की ये बात हो रही है वो नबी किस तरह का है, किस नसब और हसब का मालिक है। अभी अबू सुफियान इस्लाम कबूल नहीं किया था आपने, आपने फरमाया हुआ फी नाजू नसब, वो हम में बड़े आली नसब हैं, बुलंद नसब और हसब के मालिक हैं। आका अली सलातो सलाम का इरशादे पाक है, मुस्लिम शरीफ में है, हुजूर अली सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा किनानत मिन वलद इस्माइल, अल्लाह पाक ने बनु इस्माइल में इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में किनाना को पैदा किया, अस्तफा कुरैश मिन किनाना, किनाना से कुरैश को मुंतखब किया, अस्तफा मिन कुरैश बनी हाशिम,
और फिर कुरैश से बनी हाशिम पैदा किया, वफानी मिन बनी हाशिम, और बनी हाशिम में से फिर अल्लाह पाक ने मेरा इंतखाब किया, मुझे चुन लिया। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से एक दफा मरवी है कि सैयदना जिब्रील अमीन फरमाते हैं, قلبتُ مشارق الارض ومغاربها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بيتا افضل من بيت بني هاشم। سيدنا جبريل امين علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب میں ہر جگہ کا چکر لگا کر دیکھ لیا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کوئی افضل نہیں دیکھا، اور آپ کے گھر اور حسب و نسب سے بڑھ کر کسی کا گھر اور حسب و نسب نہیں دیکھا۔ جبریل کہہ رہے تھے، آفا کہا گردید ام مہرے بتا گرز ورزید ام بسیار خوبا دید ام، لیکن تو چیزیں دی گری، لیکن تو چیزیں دی گری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا حسب نسب مبارک بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ، میں محمد ابن عبد اللہ ہوں، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ سیدنا عدنان علیہ السلام تک، رضی اللہ تعالی عنہ تک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نسب مبارک بیان فرمایا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ نسب جو ہے والد کی طرف سے ہے، محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ سارا نسب جو پڑھا ہے یہ والد کی طرف سے ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کا اسم مبارک حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ ان کا نسب حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ تو حضرت جو بنی کلاب ہیں، بنو بنی کلاب ہیں، وہاں پہ آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مکرم کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا جو نسب ہے وہ آپس میں مل جاتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کی جب بات کرتے ہیں تو درمیان میں قریش آتے ہیں۔ قریش کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریشی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاشمی ہیں، تو حضور کی نسل میں کوئی قریش نام کا شخص تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارکہ میں کوئی ہاشم نام کا شخص تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں قریش کون تھا۔ قریش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں مالک بن نضر تھے۔ مالک بن نضر یہ اپنی خدا داد صلاحیتوں، شجاعت و بہادری میں بے مثال تھے اور تمام اہل قبائل عرب پر غالب تھے۔ مالک بن نضر یہ یاد رکھ لیں، یہ ان کا لقب تھا قریش۔ قریش سمندر کا ایک جانور ہے جو باقی جانوروں پر غالب رہتا ہے اور کبھی ان کو کھا جاتا ہے، تو چونکہ سیدنا مالک بن نضر بڑے شجاعت اور بہادری والے تھے، بڑے جری تھے، ہمیشہ قبائل عرب پر آپ کو تفوق اور غلبہ رہا، اس وجہ سے آپ کا لقب مالک بن نضر کا لقب قریش پڑ گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پردادا ہیں، ہاشم دادا عبد المطلب ہیں، ان کے والد حضرت ہاشم۔ حضرت ہاشم حاضرین مکرم یہ بھی انتہائی بہادر، انتہائی سخی، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ یہاں شروع میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری مبارک نسل کریمانہ جو ہے، اس میں حسن و جمال، اس میں رب و جلال، اس میں شجاعت و بہادری، امامت و سیادت، جود و سخا، اثار و قربانی، حد درجہ تقوی و طہارت، یہ تمام کے تمام موحد اور قناعت و بردباری میں ایک سے بڑھ کر ایک شخصیات تھیں اور مثال تھیں۔ یہ وصف آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ کائنات کے پورے نسب اور نسل میں ہر جگہ پر نظر آئے گا۔ اس کے بعد یہ جو حضرت ہاشم تھے، ان کا اصل نام عمر تھا، عمر، حضرت عمر، تو ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا تھے۔ ایک بات ٹیکنیکلی یہ یاد رکھ لیں کہ حدیث کی کتابوں میں کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ عمر لکھا، عمر لکھا ہوتا ہے، عمر بن خطاب، اور کبھی عمر کے آگے واؤ لکھی ہوتی ہے، اس کو کچھ لوگ امرو پڑھ جاتے ہیں یا عمرو پڑھ جاتے ہیں، وہ واؤ اس وجہ سے ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ عمرو یا امرو نہیں ہے، یہ امر ہے، اس واؤ کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ تو جو لفظ عمر
یا عمر بغیر واو کے ہوگا وہ تو عمر ہوگا, اور جو لفظ عمر کے ساتھ واو لگی ہوگی اس کو امر پڑھتے ہیں. یہ بات. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم, ان کا نام امر تھا. اب ہاشم کیوں نام پڑا؟ جیسے میں نے عرض کیا یہ بے حد سخی تھے, بے حد خرچ کرنے والے تھے, لوگوں کے کام آنے والے تھے. ایک دفعہ عرب میں قحط پڑ گیا, لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے. یہ حضرت امر جو تھے یہ شام گئے, وہاں سے جا کے سوکھی روٹیاں لے کے آئے بہت بڑی کوانٹٹی میں. اور جب لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے, حجاج اس وقت کعبہ حج میں مصروف تھے اور بھوک سے مر رہے تھے لوگ, وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے. اونٹ ذبح کی کر کے گوشت کے شوربے کے اندر وہ جو روٹیاں شام سے لے کے آئے تھے ان کا چورا بناتے تھے, ان کی سرید بناتے تھے, اور سرید بنا کے پھر انہوں نے وہ تمام حجاج کو, تمام اہل مکہ کو کھلائی. تو جب سرید بنا رہے تھے تو سرید بنانے والے کو, روٹیوں کا چورا کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. وہاں پہ حضرت امر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا پردادا تھے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. حضرین مکرم آگے چلیں, اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا ہم تھوڑا ذکر کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی بالکل نوخیز نوجوان تھے, بڑے جری تھے, بڑے بہادر تھے. ان کا ننیال بھی مدینہ طیبہ میں تھا. مدینہ طیبہ کے اندر یہ کھیل رہے تھے اور تلوار بازی کے, نیزہ بازی کے مقابلے ہو رہے تھے. ایک راہگیر جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اس نے ان کو دیکھ لیا, دیکھا کہ یہ نوجوان لڑکا جو ہے بڑا جری ہے, بڑا بہادر ہے, بڑا ذہین اور فتین ہے, قائدانہ صلاحیتوں کا مالک ہے. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عبد شیبہ ہیں, ان کا اصل نام شیبہ ہے حضرت عبد المطلب کا. تو حضرت مطلب جو ہیں ان کے چچا تھے. وہ شخص جس نے ان کو مدینہ میں دیکھا تھا وہ مکہ پہنچا. مکہ جب پہنچتا ہے تو جا کے ان کے چچا مطلب کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بھتیجے کو وہاں پہ دیکھا ہے مدینہ میں, وہ یار اتنا جری ہے, اتنا بہادر ہے, اتنی ذہانت اور فطانت کا مالک ہے, مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں لوگ اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا لیں, لہٰذا جلد از جلد اس بچے کو اپنی پناہ میں لے لو. وہ جو مطلب تھے وہ فوری طور پہ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو مجھے اپنی سواری دے دو, میں ابھی جاتا ہوں اور اس کو لے کے, شیبا کو لے کے آتا ہوں. وہ جو مطلب تھے اس نے سواری دے دی, آپ اسی سواری سے مدینہ گئے, مدینہ پاک سے اس نوجوان کو لیا, اپنے ساتھ بٹھایا, مکہ مکرمہ پہنچے. سارے مکہ والے مطلب کا انتظار کر رہے تھے. قریب پہنچے تو چونکہ چہروں پہ گرد پڑی ہوئی تھی, اس بچے کے چہرے, نوجوان کے چہرے پر بھی, اور نڈال تھے سفر کی وجہ سے, تو لوگوں نے سوچا کہ شاید مطلب اپنا غلام لے کے آیا ہے کوئی. تو کسی نے دور سے آواز دی کہ یہ عبد المطلب کو لے کے آیا ہے, یعنی مطلب اپنا غلام لے کے آیا ہے. تو وہاں سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا, اور زندگی بھر پھر کوئی شیبہ کے نام سے نہیں پکارتا تھا, عبد المطلب کے نام سے پکارنے لگے, یعنی مطلب کا غلام. سپیڈ زیادہ تو نہیں ہے, چونکہ گفتگو بہت زیادہ کرنی ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. ذرا بتائیں کمنٹس میں کہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو یہ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے وجہ تسمیہ بتائی کہ آپ کا نام کیوں عبد المطلب پڑ گیا, اصل نام شیبہ تھا. اس کے بعد ناظرین مکرم آپ بڑے وجی تھے, بڑے بہادر تھے, کعبہ کی سیادت آپ کے پاس آئی, کنجی بردار تھے, مستجاب الدعوات تھے. جب وہاں قحط پڑ جاتا تو آپ مکہ کے ٹیلوں پر چڑھتے, وہاں پہ بارش کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے حضرت عبد المطلب کی دعا کے صدقے اللہ پاک اہل مکہ اور اہل عرب کو بارش عطا کرتا تھا. اتنے عظیم شان. یہ وہی ہیں جن کو ابرہہ بادشاہ کے ساتھ سامنا ہوا, جب وہ جن کو ہاتھیوں نے تباہ کیا تھا. وہ ابرہہ جب آیا اس نے آپ کے متعلق بہت سن رکھا تھا. وہ آیا اور آ کے 200 اونٹ آپ کے اس نے بندے بھیجے اور اپنے فوجیوں کے ذریعے سے ان کے 200 اونٹ اغوا کر لیے, لے گئے, اچک کے لے گئے. جب حضرت عبد المطلب واپس آتے ہیں اور واپس آ کے اہل مکہ نے کہا کہ اس طرح کوئی ابرہہ یمن سے بادشاہ آیا ہے اور وہ یہ کرنا چاہتا ہے, تو آپ فوری اس کے پاس گئے اور جا کے آپ نے کہا کہ اے ابرہہ میرے اونٹ واپس کرو. اس نے کہا, وہ اپنے تخت سے نیچے اترا,
मक्का के पास ही उसने पड़ाव डाला हुआ था, वो नीचे उतरा, आपने कहा मेरे ऊंट वापस करो, उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा था कि आप बड़े वकार और शर्फ वाले बंदे हैं, ये क्या बात हुई, मैंने काबा ढाने का भी ऐलान किया है और धमकी दी है, मुझे लगता था कि तुम अल्लाह के घर काबा को बचाने की बात करोगे, तुमने बड़ी छोटी बात की है कि मेरे ऊंट वापस करो। वहां पे आपने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया है अब्रहा तुम ऊंट मेरे हैं, मैं अपने ऊंटों का मुतालबा करता हूं, रह गई बात काबे की तो काबा जाने और काबे का घर वाला जाने, तुम जब हमला करोगे तो देखी जाएगी। ये वही है, फिर अब्रहा को सूरह अलफील में सारा वाकया मौजूद है कि छोटे छोटे परिंदों ने उसके पूरे के पूरे लश्कर को भस्म करके रख दिया था। हाजरीन मुकर्रम, उसके बाद हम जो अगला हसीन तज़करा में दाखिल होने जा रहे हैं वो आका अली सलातो सलाम के वालिद गिरामी हैं, हजरत सैयदुना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में सबसे ज्यादा बाप के लाडले और प्यारे थे, और चूंकि आपकी पेशानी पर ये आपका तज़करा आपके दिलों की, हमारे दिलों की वीरान खेतियों को देखें कैसे सैराब करता है, गुलशनो गुलजार हो जाएंगी, चेहरों पर शगुफ्तगी आ जाएगी और मुसर्रत आ जाएगी अभी जब आपका तज़किरा आप सुनेंगे। आप इस कदर खूबसूरत थे, इस कदर वजीह थे कि अहले यहूद ने आपकी पेशानी में, यहूदियों ने नूरे नबुव्वत देख लिया था, सो हर वक्त इस ताक में रहते कि आपको गजंद पहुंचाएं। एक दफा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके वालिद ने, हजरत अब्दुल्ला के वालिद ने इन्हें जंगल में किसी काम के लिए भेजा, ये जंगल में गए, जंगल में यहूदियों ने पहले से मनसूबा बना रखा था, जब जंगल में पहुंचते हैं तो यहूदी इन पे हमला आवर हुए कत्ल करने की नीयत से, जब कत्ल करने की नीयत से हमला किया तो हाजरीन मुकर्रम अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानी मखलूक को जाहिर किया, उस आसमानी मखलूक ने उन यहूदियों को वहां से मार भगाया। जब ये वाकया हो रहा था तो करीब वहब बिन मनाफ रदी अल्लाह ताला अन्हो वो भी करीब मौजूद थे जंगल में और उन्होंने खड़े होकर ये सारा वाकया देख लिया। ये वहब बिन मनाफ वो हैं जो हजरत सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मुकर्रम हैं। सैयदा आमिना रजी अल्लाह जो आका अली सलातो सलाम की वालिदा मुकर्रमा हैं, जब इन्होंने देख लिया आपकी हजरत अब्दुल्ला की उम्र 24 साल थी तो वहीं पर हजरत वहब ने यह प्लान कर लिया कि मेरी बेटी जो कुरैश में सबसे ज्यादा हुस्न व जमाल वाली है, सबसे ज्यादा हया वाली है, सबसे ज्यादा जहीन व फतीन है, जो कुरैश की औरतों में सरदार है सबकी, मैं अपनी उस बेटी का निकाह जो है इस अब्दुल्ला से करूंगा। चूंकि अब्दुल्ला अपने हुस्न व जमाल में, अपनी खूबसूरती में और नूरे नबुव्वत के चमकने में पहले ही मारूफ तो थे ही, अभी जिक्र आएगा उनका आगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जब ये आसमानी तईद देखी तो फैसला कर लिया, फौरी वापस पलटे, वापस पलट के हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बात की, उनके अब्बा से बात की, बात करके रिश्ता तय हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं भी इसी तरह की किसी आली शरफ वाली, वकार वाली, जहीन और फतीन और नेक सूरत और नेक सीरत खातून और लड़की की तलाश में था, तो यह रिश्ता हो जाता है। यहां पर हाजरीन मुकर्रम मारूफ वाकया है कि आपने देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो आपका रिश्ता करने के लिए, हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता करने के लिए जब चल रहे थे, एक जगह से जा रहे थे, रास्ते में यहूदी औरत थी, उसका नाम था फातिमा बिनते मुर्र। उस यहूदी औरत ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैं तुझे 100 ऊंट ऑफर करती हूं। जब उसने हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे नबुव्वत देखा, कहा मैं तुम्हें 100 ऊंट ऑफर करती हूं, अब्दुल्ला को कुछ देर के लिए मुझे दे दो, तो वहां पे बड़ा अजीम शान शेर कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, फकैफ बिल अमर अल्लज़ी तबगीनहु यहमिल करीम इर्दही वदीनहु, जिन नाजायज अमर की ऐ यहूदी औरत तू हमसे तवक्को कर रही है वो हमसे कैसे मुमकिन है। फरमाया करीमुन नफ्स आदमी तो अपनी आबरू और दीन की पूरी हिमायत और हिफाजत करता है। मना कर दिया 100 ऊंटों से, आगे बढ़ गए। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हो गया, अक्द हो गया। आपने 3 दिन वहां गुजारे, 3 दिन वहां पे गुजार के जब आप वापस उसी रास्ते से मुड़ रहे थे, फातिमा बिनते मुर्र वही यहूदी औरत वहां मौजूद थी, उसने कहा अब्दुल्ला बात सुनते जाओ,
कहां से आ रहे हो? उसने चेहरा देखा, उस चेहरे में उसे वो नूरे नबुवत पेशानी पे नजर ना आया। उसने कहा कहां से आ रहे हो? हजरत अब्दुल्ला ने कहा मेरा निकाह हो गया है, 3 दिन मैं आमिना के पास रह के आया हूं अपनी जौजा के पास। आपने फरमाया, वो फातिमा बिनते मुर कहने लगी वल्ला मैं बदकार औरत नहीं हूं, तुम मुझे गलत ना समझना, बल्कि वो तो एक काहिना भी थी और आलिमा भी थी अपने किताबों की। वो कहती थी, उसने कहा मैंने तुम्हारी पेशानी में नूरे नबुवत देखा था और उसके लिए वो मैं चाहती थी कि वो मुझे मुंतकिल हो जाए, वो अमानत और एजाज मुझे मिल जाए, मगर आज मैं देखती हूं कि वो अमानत और वो नूर तुम्हारे चेहरे और उस पे माथे पर नहीं है, वो आमिना ले गई, वो उसकी गोद में मुंतकिल हो गया। ये आपका हुस्न व जमाल था हाजरीन मुकर्रम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हो चूंकि तिजारत पेशा लोग थे, ये बात याद रख लें, ये सारे का सारा जो खानदान है अकाली सलातो सलाम का, ये मालदार खानदान था, तिजारत पेशा लोग थे। आप शाम तशरीफ ले जाया करते थे हमेशा, शाम में आप तिजारत कर, एक दफा आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो को शादी के बाद शाम तिजारती काफिले में भेजा। जब आप तिजारती काफिले में गए, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, तिजारती काफिले से जब आप वापस आ रहे थे, मदीना तैयबा के करीब आए, तो आपकी तबीयत खराब हो गई, अलील हो गई, तो आपने मदीना पाक में जो आपके ननियाल थे वहां आप रुक गए हजरत अब्दुल्ला, और एक माह अलील रहने के बाद हजरत नाबगा जादी रदी अल्लाह तआला अन्हो आपके मकान में आपकी तदफीन हुई। हाजरीन मुकर्रम, ये बात आप याद रख लें, यह भी अहम है। आका अली सलातो सलाम ने कहा, फरमाया कि मैं इब्न ज़बीहैन हूं, 2 ज़बीहों का बेटा हूं, एक ज़बीह हजरत इस्माइल अलैहि सलाम और एक हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो को भी ज़बीह का लकब मिला है। तो किस तरह कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हो को ख्वाब में नजर आया कि बेरे जमजम यहां पर था, लिहाजा आप इसे खो दें, चूंकि एक बादशाह जाते हुए उसे बंद कर गया था तवील अरसा, तो अरब तड़पते रहे जमजम के लिए। तब ख्वाब में आया, आपने कुरैश से कहा कि आओ मेरी मुआविनत करो और यहां से कुआं खोदा जाए। अहले कुरैश जो थे, अहले मक्का, उन्होंने मुआविनत ना की, लिहाजा आपने कुआं खोदना शुरू कर दिया उसी जगह जो निशानी बताई गई थी। जब वहां से पानी निकलने के आसार पैदा हो गए तो कुरैश मक्का आ गए और आके तो अपना हक जमाने लगे। वहां पे आपने दुआ की कि काश मेरे 10 बेटे होते तो मैं वो 10 बेटों के साथ इनके साथ जंग करता, इनके साथ मुकाबला करता। और फिर जब आपने ये नजर मानी कि अल्लाह अगर तू 10 बेटे देगा तो मैं अपना सबसे प्यारा बेटा तेरी राह में पेश कर दूंगा, यानी उसको तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। 10 बेटे हुए, हजरत अब्दुल्ला सबसे खूबसूरत थे, सबसे नौजवान थे, उन 10 बेटों के लिए कुरा डाला गया, हजरत अब्दुल्ला का नाम आ गया। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो को हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेके और छुरी लेके काबा की तरफ जा रहे थे, रास्ता में हजरत अबू तालिब आ गए, सामने आ गए जो आपके भाई थे, और एक वो आ गए, एक आका अली सलातो सलाम के जो ननियाल थे, बनू उदई बिन निजार, बनू उदई बिन निजार, याद रख लें, आका अली सलातो सलाम के जो ननियाल थे वो सामने आ गए। तो उन्होंने रोका, उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब इतना हसीन खूबसूरत बेटा है, इसको क्यों जिबा करते हो, नजर का कुछ और तरीका देख लेते हैं। उन्होंने कहा कौन सा तरीका? उन्होंने कहा कि कोई अर्राफा औरत है, वहां जाते हैं उससे कुछ सा हल पूछते हैं। उस औरत के पास गए, उसने कहा आप कुरा डालें, इधर अब्दुल्ला का नाम लिखें, इधर 10 ऊंटों की पर्ची डालें, अगर ऊंटों की पर्ची निकल आए तो समझे अल्लाह ने वो जो उसका बदला है नजर का वो कबूल कर लिया, और अगर अब्दुल्ला की पर्ची निकले तो 10 ऊंट और बढ़ा दें, और इस तरह बढ़ाते चले जाएं ता आंके कुरा जो है वो ऊंटों के नाम निकल आए। इसी तरह हुआ, आप 10 ऊंटों का कुरा और हजरत अब्दुल्ला दोनों के नाम की जब कुरा डाला तो हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। आपने 10 ऊंट और बढ़ा दिए, फिर बढ़ा दिए, फिर बढ़ा दिए, 10वीं मर्तबा जब आपने 100 ऊंट और प्लस हजरत अब्दुल्ला के नाम का कुरा डाला, इस दफा कुरा ऊंटों के नाम निकल आया। और फिर आपने इत्माम हुज्जत के लिए 3 दफा कुरा डाला, 3 दफा फिर 100 ऊंटों के नाम कुरा निकलता। आपने 100 खूबसूरत ऊंट उस वक्त वो जिबा कर दिए और वहीं छोड़ दिए। सब लोग गोश्त लेने वाले गोश्त लेते रहे, इंसानों ने भी लिया, जानवर भी उसमें से खाते रहे, मगर आपने उसमें से गोश्त नहीं लिया, कुर्बान कर दिए गए। उस वक्त से इस्लाम में 100 ऊंट दियत का उसूल बन गया, कानून बन गया। आज भी
हाजरीन मुकर्रम आगे चलें तो आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दो ज़बी हैं, अना इब्नु ज़बी हैं, ऐ अब्दुल्लाह व इस्माइल, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं, हजरत अब्दुल्ला का और हजरत इस्माइल का। उसके बाद हाजरीन मुकर्रम जब आपकी वफात की खबर पहुंचती है हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा तक, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके हुस्न जमाल के ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत चीज है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला हु इतने खूबसूरत थे, इतने वजी थे, हुस्न जमाल के मालिक थे कि इमाम ज़ुरकानी ने मवाहिबुल लदुनिया में की शरह में लिखा है, उन्होंने लिखा कि हजरत अब्दुल्ला को अपने जमाने में औरतों की तरफ से उन्हीं मुश्किलात और सब्र आजमा हालात का सामना था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस दौर में अजीज मिस्र की तरफ की अहलिया की तरफ से था, उन्हीं हालात का सामना था। तमाम कुरैश की औरतें, मक्का की औरतें आप मोहब्बत में गिरफ्तार थी। आगे देखिए, आगे फिर वो फरमाते हैं वकान अजलहुम, मक्का में कुरैश में सबसे हसीन तरीन थे, वह फशगफत बिही निसाउहुम, तमाम औरतें उनके दामे मोहब्बत में असीर थी, वकिदना अन तदहला उकूलहुन्ना, और करीब था कि वो हजरत अब्दुल्ला की मोहब्बत में अपने होशो हवास खो बैठती। आप इस कदर हसीनो जमील थे, इस कदर हाजरीन मुकर्रम हसीनो जमील थे। फिर जब आपके विसाल की खबर हजरत सैयदाए आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको पहुंचती है हाजरीन मुकर्रम, तो हजरत आमिना सोचें इतना वजी, इतना खूबसूरत, आलम शबाब में अचानक आपका सुहाग जो है वो रुखसत हो जाता है, आप पर सख्ता तारी हो गया। उस सख्ते के आलम में आपने चंद अशआर कहे हजरत अब्दुल्ला की मोहब्बत में जो आपके ताल्लुक को बयान करते हैं। आपने फरमाया अब अफा जानिबल बतहा मिन इब्ने हाशिम वजावरा लहदन खारिजन फिल गमाइमी दअतहुल मनाया दावतन फअजाबहा वमा तरकत फिन नाथ मिथलु इब्ने हाशिम अशियतन राहु यहमिलून सरीरहु तआवरहु असहाबहु फित तजाहुमी फइन तकु गालतहुल मनाया वरीबहा फकद काना मौता कसीर तराहमी। आपने फरमाया बतहा की आगोश हाशिम के साहिबजादे से खाली हो गई, वो बांगो खरोश के दरमियान एक लहद में आसूदा ख्वाब हो गया, उसे मौत ने एक पुकार लगाई और उसने लबैक कहा, अब मौत ने लोगों में इब्ने हाशिम जैसा खूबसूरत कोई नहीं छोड़ा। फरमाती हैं कितनी हसरतनाक वो शाम थी जब लोग उन्हें तख्त पर उठाए ले जा रहे थे, अगर मौत और मौत के हवादिस ने उनका वजूद खत्म कर दिया है तो जान लो कि वो बड़े दाना और रहम दिल इंसान थे। ये हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला के लिए ये अशआर कहे। आपकी जो वफात है हजरीन मुकर्रम उसका तज़किरा हम कर चुके हैं, अब आ जाइए हम तज़किरा करते हैं हजरत सैयदाए आमिना सलामुल्लाहि अलैहा का, आका अलैहिस्सलाम की वालिदाए मुकर्रमा और सैयदाए पाक की सैयदाए फातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की नानी जान का। सैयदाए आमिना सलामुल्लाहि अलैहा, सैयदाए आमिना तहारते नफ्स में, शराफते नसब में, इज्जत वजाहत में बड़ी बुलंद मकाम वाली थी, और जैसे मैंने अर्ज किया कुतुब सीयर में आता है वही यौम इदिन अफ़ज़ल उम्रातिन फी कुरैश नसबन व मौदान, वो अपने दौर की कुरैश के अंदर हसबो नसब में सबसे अफजल तरीन खातून थी। हाज़रीन आका अलैहिस्सलाम, फिर आप में सादगी का आलम यह था और इज्जो इनकसारी का आलम यह था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस औरत का बेटा हूं जो सूखा गोश्त भी खा लेती थी। आज की खवातीन के लिए ये पूरा कोर्स जो है वो हमें बताएगा कि हमने अपने किरदार की, अपने अखलाक की और अपने अफकार की तत्हीर कैसे करनी है। हाज़रीन मुकर्रम, आप उसके बाद फिर आपका जो विसाल होता है, आपका आपकी वालिदा का नाम बर्रा था, हजरत आमिना की वालिदा का नाम बर्रा था और फिर उनकी वालिदा का नाम उम्मे हबीबा था, ये दोनों भी इसी नसब से आगे चलते हुए जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बनी किलाब में जाके ये नसब एक हो जाता है। आपकी विसाल जब आका अलैहिस्सलाम के वालिद मुकर्रम की वफात हो गई, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है जब आपके वालिद मुकर्रम की वफात हुई कुछ रिवायात में आता है कि आप दो माह के थे और कुछ रिवायात में आता है कि अभी आका अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई थी। बहरहाल
तब अकलीसलातुसलाम की विलादत मुबारका होती है और आप 6 साल के होते हैं। कितने साल के? 6 साल जब आपकी उम्र मुबारका होती है, 6 साल में हजरत आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा आपकी वालिदा, आप चाहती हैं कि मैं जाके अपने शोहर की कब्र की जियारत करूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अपने वालिदे मुकर्रम की कब्र की जियारत कर लें और साथ इनके ननियाल में इनको इनकी मुलाकात करवा लूं। आप आती हैं मदीना तैयबा की तरफ। जब मदीना तैयबा आई, ननिहाल में कुछ दिन आका अलैहिस्सलाम ने गुजारे तो वापस तशरीफ ला रही थी तो रास्ते में अबवा नामी एक गांव में आपकी वफात हो गई। जब आपकी अबवा नामी हाजरीन मुकर्रम गांव में वफात होती है, वफात का वक्त था, आपको दिल की तकलीफ हुई। दिल की तकलीफ के बायस आपकी वफात हो गई। हजरत अब्दुल्ला की बांदी थी कनीज उम्मे ऐमन, वो भी इस सफर में आपके साथ थी। हजरत आमिना की वफात हो गई। वफात का वक्त करीब था, आका अली सलातो सलाम 6 साल के बच्चे थे। आपने आका अली सलातो सलाम के मुबारक हाथों को अपने सीने पे रखा, यहां रखा, यहां रखा और कुछ कलेमात कहे अशार की सूरत में। हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, वो सुनने वाले हैं, आपने फरमाया कुल्लु हय्यिन मय्यित, हर जिंदा को मरना है, कुल्लु जदीदिन बाल, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, व कुल्लु कबीरिन युफना, हर बड़ी चीज खत्म हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, व अना मैततन, और मैं आज मर रही हूं, व जिक्री बाकिन, लेकिन मेरा जिक्र जिंदा रहेगा, व कद तरक्तु खैरन, इस वजह से जिंदा रहेगा कि मैंने तुझ जैसा खूबसूरत और भलाई करने वाला बेटा छोड़ा है, ववलतु तोहरन, और मैंने तुझ जैसे ताहिरो पाक साफ बेटे को जन्म दिया है। फरमाया हर चीज फना हो जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी, जदीद कदीम हो जाएगी, हर शय फानी हो जाएगी, लेकिन आमिना का जिक्र कभी फानी नहीं होगा, ये हमेशा बाकी रहेगा। क्यों? आमिना ने ऐसा बेटा जना है, ववलतु तोहरा, एक तहारतो पकीजगी का अलम बुलंद करने वाला अजीम इंसान, आप जैसा ए मोहम्मद मैंने बेटा जना है, लिहाजा मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। ये हजरत आमिना सलामुल्लाही अलैहा के हवाले से चंद कलिमात हाजरीन मुकर्रम मैंने आपकी बारगाह में पेश किए हैं। इसी तरह फिर आपकी पाक दामनी के हवाले से आका अलैहिस्सलाम ने एक तवील हदीस है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, वक्त बचाना चाहता हूं आगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दफा, सहाबा कहते हैं कि हुजूर जब जलाल में होते थे आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता और आप जो कबली मुबारक है उसको घसीटते हुए, जमीन में घसीटते हुए तशरीफ लाते थे, कहां से हम समझ जाते कि आका अलैहिस्सलाम जलाल में। किसी तरह किसी बदबख्त ने कोई बात की, हुजूर तक पहुंची, आप इसी हाल में अपनी कमी मुबारक को घसीटते हुए आए, मिंबर पर चढ़कर पूछा तुम्हें पता है मैं कौन हूं? उन्होंने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया वो तो हूं और मैं कौन हूं? लोग खामोश हो गए और कुछ ने कहा आप मोहम्मद हैं। फिर आपने अपना पूरा नसब पढ़ा, आपने फरमाया मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूं, बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। जब खुदा ने मखलूक को पैदा किया, मुझे बेहतरीन खल्क में पैदा किया, फिर मखलूक के दो हिस्से किए तो अरब यानी अरबो अजम, मुझे बेहतरीन यानी अरबों में रखा, फिर उनके मुख्तलिफ कबाइल बनाए, फिर मुझे उन बेहतरीन उनके कबीलों यानी कुरैश में रखा, फिर उनके घराने बनाए तो सबसे बेहतरीन घराना मेरा बनाया और मैं उनमें सबसे बेहतरीन नसब वाला हूं। ये हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाही अलैहा का तज़किरा था जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अब आ जाइए सैयदा कायनात सलामुल्लाही ताला अलैहा, उनकी वालिदा मुकर्रमा मलीकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल आइम्मा, पहली उम्मुल मोमिनीन का एजाज पाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आपका लकब याद रखें हमेशा, मलीकतुल अरब, अरब की शहजादी मारूफ थी, बड़ी मालदार खातून थी, बड़े हसबो नसब वाली, बड़े जाहो हशम वाली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाली। हाजरीन मुकर्रम आका अली सलातो सलाम आपकी उम्र मुबारक, हुजूर की उम्र मुबारक 25 साल है और सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपकी उम्र मुबारक 40 साल है, शादी हो जाती है। और फिर हजरत खदीजा जो हैं उनके वालिद जो हैं उनका नाम खुवैलद है और उनकी जो वालिदा मोहतरमा है हजरत खदीजा की उनका नाम फातिमा बिनते जायदा है। आपकी जो विलादत है वो वाकिया फील, वो जो जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि असहाबे फील जो हाथियों वाले थे,
उनको जो भस्म किया परिंदों ने, उस वाकया से 15 साल पहले आपकी विलादत होती है, 555 हिजरी ईस्वी में या 556 ईस्वी में। और आपकी वफात जो है वो आमुल हुजन के साल में होती है, 10 रमजानुल मुबारक को, ऐलान नबुव्वत के 10वें साल, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत के ऐलान से 15 साल पहले आपसे शादी की और ऐलान नबुव्वत को 10 साल गुजरे थे तो आपकी वफात हो गई और आप मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल माला के मुकाम पर, माला जो कब्रस्तान है वहां पर आपकी तदफीर हुई है। आप 25 साल आका अली सलातो सलाम की जौजियत में रही और हुजूर अली सलातो सलाम को आपसे इस कदर मोहब्बत थी कि 25 साल आका अली सलातो सलाम की मुतअद्दद अज़वाज हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं हमारी, मगर जब तक हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के अकद में रही आका अली सलातो सलाम ने कोई और निकाह नहीं फरमाया 25 साल। और ये उसके बाद आपको आपकी जो वफात है वो हाजरीन मुकर्रम जैसे मैंने अर्ज किया, वफात के बाद हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, आका अली सलातो सलाम ने फरमाया, आयशा खुदा की कसम खदीजा से बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, जब सब लोगों ने मेरे साथ कुफर किया उस वक्त वो मुझ पर ईमान लाई, जब सब लोग मुझे जुटला रहे थे खदीजा ने मेरी तस्दीक की, जब कोई शख्स मुझे कोई चीज देने को तैयार नहीं था उस वक्त खदीजा ने मुझे अपना सारा माल दिया और फरमाया उन्हीं के शिकम में से अल्लाह पाक ने मुझे औलाद अता की। हुज़ूर ने फरमाया कायनात की अफजल तरीन 4 बीबियां हजरत आसिया, हजरत मरियम, हजरत खदीजा और हजरत फातिमा है, कायनात की 4 अफजल तरीन। अभी आपकी शादी नहीं हुई थी, आपको एक दिन ख्वाब आया कि एक नूर का टुकड़ा आपके घर में गिरा है और ऐसा टुकड़ा गिरा है कि जिसने देखते ही देखते पूरे मक्के के हर घर को रोशन कर दिया है। आपके चचाजाद थे, कजन थे आपके, हजरत वरका बिन नौफल, ये बहुत बड़े यहूदी आलिम थे, आपने बहुत सारों ने नाम सुना होगा। आपने अपने कजन से इसकी ताबीर पूछी कि मुझे ये ख्वाब आया है, तो उन्होंने कहा खदीजा इस ख्वाब की ताबीर ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपसे निकाह फरमाएंगे। ख्वाब पूरी होती है और फिर आपने हमेशा आका अली सलातो सलाम का साथ दिया है, माल आका अली सलातो सलाम की खिदमत में पेश कर दिया, हर असूदगी और राहत आपने आका अली सलातो सलाम के लिए दी। फिर आप देखें आपकी फजाइल के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत हदीसे मुबारका और फिर कुरान की आयते मुबारका। आपकी उम्र मुबारका 55 साल हो चुकी थी, 55 साल जब आका अली सलातो सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और आका अली सलातो सलाम हिरा गारे हिरा में जाके इबादत करते थे, 3-3 दिन तक वहां रहते थे, हजरत खतीजतुल कुबरा और खाना बना के 3-3 दिन के लिए 7 किलोमीटर फासला बनता है काबा से लेके गारे हिरा तक का। और उस दौर में आप देखें कि जो पहाड़ थे कितने चटियल थे, आज तो रास्ते बन गए ना, उस दौर में रास्ते नहीं थे, लिहाजा आप जाती मुतवातर आका अली सलातो सलाम को खाना पीना पहुंचाती। आपकी ये अदा आका अली सलातो सलाम की इस पाकीजा बीवी की जौजा की अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस कदर पसंद आई कि एक दफा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आके आका अली सलातो सलाम से गारे हिरा में कहा और खबर दी, आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह अलैहि सलातो सलाम खतीजा आ रही हैं, खतीजा आ रही हैं, उनके हाथ में दस्तरखान है और उस दस्तरखान में आपके लिए खाना और पानी है और अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है कि जिब्रील जाओ जाके मेरा सलाम भी खतीजा को दो, यानी हुजूर के जरिए से खतीजा को अल्लाह का सलाम भी हो और जिब्रील का सलाम भी हो ये। और फिर फरमाया कि साथ ए हबीब ये खुशखबरी भी दें कि जन्नत में अल्लाह पाक मोतियों का एक ऐसा घर खतीजा के लिए तैयार अल्लाह पाक ने कर रखा है जिसमें ना कोई शोरगुल होगा और ना ही कोई रंजो मुशक्कत होगी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाम भेजा। और फिर आपकी वफात के वक्त का जो वाकया है वो ये है कि हजरत फातिमतु जहरा सलामुल्लाही अलैहा, हजरत फातिमतु जहरा सलाम, चूंकि आका अली सलातो सलाम की औलादे मुबारका में सैयदा कायनात हुजूर की सबसे ज्यादा लाडली थी, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उनके जरिए हुजूर को सिफारिश करवाई कि आका अली सलातो सलाम से कहा कि आप अब विसाल का वक्त है तो मेरा कफन नया ना खरीदिएगा और जो
तहबंद आप जेबे तन फरमाते हैं, जो कपड़ा आपके जिस्म अकदस से मस है वही बतौर कफन के मुझे अता कर दें। जब सैयदाए कायनात ने सैयदाए फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने आका अलैहिस्सलाम से ये अर्ज की, बाबा जान अम्मी जान यूं कह रही हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखें ये कुछ से पुराने कफन की बात करती है और कहती है नया कफन ना दूं इसको, नए कफन पर भी मेरे पैसे खर्च ना हो, हालांकि इस मेरी इस जौजा ने सारे का सारा माल मेरी कदमों में कुर्बान कर दिया। तो आपकी जन्नतुल माला में तदफीन होती है हाजरीन मुकर्रम। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम सैयदाए कायनात के वालिदे मुकर्रम हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र जमील हम यहां छोड़ रहे हैं, चूंकि वो आप हमेशा सुनते हैं, वो मिलाद की महफिल में भी सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, मुख्तसर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपके भाई और बहनों की हम बात नाजरीन मुकर्रम कर रहे हैं कि सैयदाए कायनात के भाई कितने थे और बहनें कितनी थी, यानी आका अलैहिस्सलाम की औलाद कितनी थी। तो ये बात याद रख लें कि आका अलैहिस्सलाम की औलाद यानी सैयदाए कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की बहनें और भाई, तो सैयदाए कायनात चार बहनें थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की चार साहिबजादियां थी। सबसे बड़ी साहिबजादी का नाम हजरत जैनब, फिर उसके बाद हजरत रुकैया, फिर उसके बाद हजरत उम्मे कुलसूम, फिर उसके बाद सैयदा फातिमा रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिन्न अजमाइन सलामुल्लाहि अलैहिन्न अजमाइन। ये चार शहजादियां आका अलैहिस्सलाम की थी और हुजूर अलैहिस्सलाम के तीन शहजादे थे, सबसे बड़े हजरत कासिम, फिर हजरत अब्दुल्लाह, फिर हजरत इब्राहिम सलामुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अब हम वन बाई वन मुख्तसर जिक्र करेंगे सबका। हुजूर अलैहिस्सलाम के साहिबजादगान से शुरू करते हैं, सबसे बड़े साहिबजादे आका अलैहिस्सलाम के हजरत कासिम हैं, हजरत कासिम सबसे बड़े साहिबजादे, इन्हीं के नाम पर आका अलैहिस्सलाम की कुनियत जो है वो अबू अल कासिम पड़ी है। आपकी विलादत आका अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले हुई। जो नए लोग हैं, जो छोटे बच्चे बैठे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि विलादत और बेसत में फर्क है। विलादत कहते हैं जब पैदाइश को, जब हुजूर पैदा हुए, और बेसत कहते हैं 40 साल के बाद जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। बेसत से पहले आपकी विलादत हुई हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु की। इमाम ज़ुरकानी ने कहा कि आप 2 साल की उम्र में आपकी वफात हो गई, 2 साल की उम्र में सबसे पहले वफात हजरत कासिम की हो गई रदी अल्लाह तआला अन्हु। आका अलैहिस्सलाम के दूसरे शहजादे और सैयदाए कौनैन के दूसरे भाई हजरत अब्दुल्लाह, आपकी जो विलादत है हाजरीन मुकर्रम वो बेसत से कुछ देर बाद हुई। चूंकि वो बेसत के बाद हुई तो इनके साथ हजरत अब्दुल्लाह के साथ लकब पड़ गया तैयब ताहिर का, इन्हें तैयब ताहिर भी कहा जाता है मगर ये लकब है, नाम हजरत अब्दुल्लाह है। हाजरीन मुकर्रम ये कुछ किताबों में आता है कि बहुत छोटे थे जब विसाल हो गया, कुछ में आता है कि 1 साल 6 माह उम्र थी आपकी, तो बचपन ही में विसाल हो गया। ये एक और बात याद रखने वाली है, 7 औलादे हैं आका अलैहिस्सलाम की, 4 बेटियां 3 बेटे, और उन 7 औलादों में 6 औलादें जो हैं वो सैयदाए खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बतने मुकद्दस से हैं, आपसे हैं, और 1 औलाद आखिरी बेटा हुजूर का शहजादा हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो वो भी हुजूर को बड़े प्यारे थे, बड़े लाडले थे हुजूर के लिए, वो हजरत मारिया किबतिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से थे। हजरत मारिया किबतिया, हजरत मारिया किबतिया वो हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह मकूकिस उसके नाम खत लिखा था, उसने खत की बड़ी तकरीम की और आपके जो गए थे पैगाम रसा एम्बेसिडर्स उनकी बड़ी तकरीम की, और तकरीम करने के बाद कुछ तहाइफ हुजूर की बारगाह में भेजे, और फिर 2 शहजादे, एक ये जो हजरत मारिया किबतिया थी ये भी शहजादी थी, यानी शाही खानदान से, मिस्र के शाही खानदान से थी। उस दौर में रिवाज ये था कि वो तोहफतन जो पाकीजा नेक सीरत नेक सूरत खवातीन होती थी वो तोहफतन दूसरे मुल्क के बादशाह के लिए तकरीमन बेचते थे। जब वो हजरत सीरीन और हजरत मारिया किबतिया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ये दोनों जब यहां पे आई आका अलैहिस्सलाम की जौजियत में आ गई हजरत मारिया किबतिया मिस्र से, इनके बतने मुबारक से हजरत इब्राहिम पैदा हुए।
हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हो। और आकलाम ने फरमाया मैंने अपने बाप के नाम पर अपने इस बेटे का नाम रखा है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो जद्दे अमजद हैं अकालीसलाम के, हुजूर ने फरमाया इनके नाम पे मैंने अपने बेटे इस बेटे का नाम इब्राहिम रखा है। आपकी उम्र मुबारक 16 या 17 माह रही या 18 माह रही, यानी डेढ़ साल के राउंड अबाउट आपकी उम्र मुकद्दसा थी। एक दफा सीधना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम आपके दोनों काशानों पर बैठे सीना अकदस के ऊपर खेल रहे थे, जिब्रील अमीन आए, आके कहा या रसूल अली का सलातो सलाम इन दो शहजादों में से, इन दो शहजादों को जमा नहीं किया जा सकता, एक शहजादा आपको अल्लाह पाक आपसे वापस ले लेगा। हुजूर को इख्तियार दिया गया तो अकाली सलातो सलाम ने फिर हजरत हुसैन को इख्तियार फरमाया, फरमाया इब्राहिम जाएगा तो मेरा दिल दुखी होगा, अगर हुसैन को ले जाओगे मैं तो दुखी होऊंगा ही होऊंगा, मेरी मेरे जिगर का टुकड़ा सैयदाए कायनात हजरत फातिमतु जहरा मेरी बेटी भी हुजन व गम में मुबतला हो जाएगी। तो फिर हजरत इब्राहिम 17-18 माह की उम्र में आपकी वफात हो जाती है। इससे पहले एक बड़ी ईमान अफरोज बात है, जब मिस्र की तरफ अकालीसलाम ने अफवाज भेजी और मिस्र फतह हो रहा था तो जो काफिला जा रहा था उसके हाकिम को अकालीसलाम ने फरमाया, जो मुसलमान हाकिम रवाना किया मिस्र में, हुजूर ने फरमाया सुनो मिस्रियों के साथ नरम रवैया इख्तियार करना, इस वजह से कि मेरा वो मेरे ससुराल हैं, मेरे भी ससुराल हैं और मेरे जद्दे करीम हजरत इब्राहिम के भी ससुराल हैं। हजरत इब्राहिम की जौजा हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा भी मिस्र से थी और सैयदाए मारिया किबतिया रदी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आपका ताल्लुक भी मिस्र से था। तो आपने अकालीसलाम ने अपने ससुराल पर हाथ हौला रखने की तलकीन की। आज जब हम इस लेक्चर की तैयारी में थे तो अलामा महमूद मसूद साहब, तो आपके हर दिल अजीज उस्ताद हैं और बड़े ही खूबसूरत इंसान है, वो कहते हैं देखें सर अकालीसलाम भी अपने ससुराल के हवाले से नरमी ही इख्तियार करते थे। वैसे तो हुजूर सबके लिए रहमतुल्लिल आलमीन है मगर ससुराल के लिए हर कोई नरमी इख्तियार करता है, हुजूर ने भी नरमी की तलकीन की। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि जब हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के ये नन्हे शहजादे जो उसके बाद हजरत मारिया किबतिया, इतनी हसीनो जमील थी कि मक्का की औरतें दूर दूर से आपको देखने के लिए आती, आपके उसनो जमाल को, आपकी सीरत को, आपके किरदार को, आपकी फतानत और जहानत को, शाही रोबो जमाल था आपके अंदर, दूर दूर से देखने आती थी। जब विसाल का वक्त आया हजरत इब्राहिम का तो हजरत इब्राहिम अकालीसलाम ने उन्हें हाथों में उठाया, उनका निजा का आलम था, अकालीसलाम की मुबारक आंखों से आंसू रवा हो गए, आंसू रवा हो गए। वहां पे हजरत अब्दुलरहमान भी रौफ थे, जब उन्होंने अकालीसलाम को रोते हुए देखा तो आपने पूछा या रसूल अल्लाह आप भी, यानी आप भी रोते हैं, तो अकालीसलाम ने फरमाया अब्दुलरहमान बिन औफ ये रहमत के आंसू हैं। फिर आपने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो को अपने हजरत इब्राहिम को अपने बेटे को मुखातिब करते हुए फरमाया कि आंख अश्कबार है और कल्ब हजीन है, हम सिर्फ वही बात करेंगे जिससे हमारा रब राजी हो, ऐ इब्राहिम हम आपकी जुदाई की वजह से बहुत गमगीन हैं। हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हो अकालीसलाम के तीनों शहजादों और सैयदाए कायनात के तीनों भाइयों का जिक्र हो गया। अब हम उनकी बहनों का मुख्तसर जिक्र करेंगे। अकालीसलाम की सबसे बड़ी शहजादी और सैयदाए कायनात की सबसे बड़ी बहन हजरत जैनब सलामुल्लाहि अलैहा आप हुजूर की सबसे बड़ी बेटी हैं। आप बेसत से 10 साल पहले, यानी हुजूर की उम्र मुबारक उस वक्त 30 साल थी और आपकी शादी को 5 साल हुए थे जब आपकी विलादत होती है, सैयदाए कायनात से 5 साल बड़ी। फिर आपने अरसा इस्लाम पाया, हिजरत की सादत भी आपने हासिल की। आपके जो शौहर हैं उल आस बिन रबी, इनकी हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत तारीफ की। ये सुलह हुदैबिया, ये बहुत बाद में जाके इस्लाम कबूल किया मगर बदर के मौका पर, जंगे बदर के मौका पर हुजूर ने इनसे कहा कि तुम मेरी बेटी जैनब को मदीना आने दोगे हिजरत करके। इन्होंने वादा कर लिया मगर मुसलमान नहीं हुए थे, ये वापस गए बदर के बाद। आपने हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा को इजाजत दे दी कि आप चाहें तो अपने बाबा के पास जा सकती हैं। जब हुजूर को पता चला तो अकालीसलाम ने हजरत जैद बिन हारसा और एक और अंसारी सहाबी दोनों को भेजा कि जाओ उस वादी के बतन में करीब खड़े हो जाओ, जैनब आ रही है तो उनको बहफाजत लेकर मेरी बारगाह यानी मदीना में आ जाओ।
मदीना में हाजिरी हो गई। बाद अजां सुलह हुदैबिया से चंद थोड़ा ही अरसा पहले हजरत अबू अल आस बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। आका अलैहि सलातो सलाम ने वो जो पहला ही निकाह था, वो जो पहले मुसलमान होने से पहले निकाह था, उसी निकाह में हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा वापस हजरत अबू अल आस बिन रबी को दे दी, उनके पास चली गई। आपका एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम अली इब्ने अली बिन अबी अल आस है और बेटी का नाम अमामा बिनते अल आस है। मिसाल आपका 8 हिजरी में है। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने 30 साल उम्र पाई, 30 साल की उम्र में आपका विसाल मुबारक हो गया। आका अली सलातो सलाम को अपनी इस बेटी से बड़ी मोहब्बत और प्यार था, आपने अपना तहबंद इनको भी दिया और इनके कफन के अंदर उस कपड़े को भी शामिल फरमाया, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा। दूसरी जो आका अली सलातो सलाम की शहजादी हैं हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये हजरत ज़ैनब के 3 साल बाद पैदा हुई, यानी अभी बेसत को 7 साल हुए थे ये पैदा हुई। आपका निकाह जो है हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह अतबा उतबा बिन अबी लहब से हुआ था, अभी अबू लहब के बेटे से हुआ था। और जब सूरह लहब नाजिल हुई, अभी रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था, जब तब्बत यदा अबी लहब व तब नाजिल होती है तो अबू लहब जो है वो अपने बेटे पर जोर देता है, वो कहता है कि या मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या फिर मेरे साथ बोलचाल बंद कर दो। तो उसने इनको हजरत रुकैया को तलाक दे दी, यानी अभी रुखसती नहीं हुई थी, तो शादी से पहले ही जस्ट निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, उसने तलाक दे दी। जब तलाक दी तो आका अली सलातो सलाम ने इनका निकाह जो है हजरत उस्मान इब्ने अफान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया। आका अली सलातो सलाम ने फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से इनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला था, वो भी 6 साल उनकी उम्र मुबारक हुई और उनका विसाल हो गया। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की माइयत में हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये हबशा की तरफ भी हिजरत की सआदत मिली और मदीना पाक हिजरत की भी इनको सआदत मिली कि उन सफर में भी शरीक रही हैं। लेकिन हाजरीन मुकर्रम, ये जो जंग थी बदर की, जंग बदर के मौका पर हजरत जब मुसलमान जंग जीत जाते हैं तो जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हो मदीना पाक की तरफ तशरीफ लाते हैं ताकि आके ऐलान करें कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। याद रखें ये बात भी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो इस जंग में शरीक नहीं हुए थे, इस वजह से कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा आपकी बीवी यानी जौजा बीमार और अलील थी, आप जंग में नहीं गए थे। हजरत ज़ैद बिन हारसा ने आके जब खुशखबरी सुनाई अहले मदीना को कि मुसलमान वहां पर जीत चुके हैं तो उस वक्त आपकी वफात हो चुकी थी हजरत रुकैया की। जब आपकी वफात हो गई, आका अली सलातो सलाम जब बकिया लश्कर पहुंचा, जो ही आका अली सलातो सलाम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे थे फातिहाना शान के साथ, तो उस वक्त हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा आपकी शहजादी की तदफीन हो चुकी थी, लोग कब्र की मट्टी को बराबर कर चुके थे। तो ये हजरत रुकैया रजी अल्लाह हुजूर की दूसरी शहजादी का जिक्र हमने किया। सय्यदाए कायनात की तीसरी बहन उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये भी इनका निकाह भी अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा से हुआ था, ये कबल इस्लाम की बात है। तो जब वो वहां निकाह हुआ था, अगेन जब ये तब्बत यदा अबी लहब तब सूरत आती है, इनकी भी रुखसती नहीं हुई थी, अभी रुखसती नहीं, ये दूसरे भाई के अकद में थी और निकाह में थी, रुखसती नहीं हुई थी। अगेन इनको भी तलाक हो गई उसी तरह जैसे दूसरे भाई उतबा ने तलाक दी थी। ये चूंकि सैयदना सैयदा रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा उनका विसाल हो चुका था, तो आका अली सलातो सलाम ने अपनी इस अजीम शहजादी का निकाह भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा से कर दिया। अब हजरत उस्मान के निकाह में यके बाद दीगरे आका अली सलातो सलाम के दो नूर आ गए, दो लखते जिगर आ गई। इसी वजह से सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को उस्मान ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, यानी दो नूरों वाला, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत उस्मान के निकाह में अकद में आ गई हजरत उम्मे कुलसूम भी। आपका विसाल 9 हिजरी में है, शाबान में आपका विसाल हुआ, हजरत मुकर्रम आपकी औलाद नहीं हुई हजरत उम्मे कुलसूम की। आपकी बहनों का भी तज़किरा मुकम्मल होता है, आपके भाइयों का भी तज़किरा मुकम्मल होता है। अब आइए चलते हैं नाज़रीन मुकर्रम,
सैयदा कायनात की का बात और तज़किरा डिटेल में मनाकब चीजें आज हम बयान नहीं कर रहे, वो कल का लेक्चर है। आज सिर्फ आपके खानदान के दीगर लोग हैं। अभी जो हम जिक्र बयान करने जा रहे हैं वो मौला कायनात का है, वो ज़ौजे बतूल, वो ज़ौजे सैयदा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन का है। आप जब आपकी पैदाइश होती है हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, आप आंख नहीं खोलते। तफसीर की किताबों में आता है 3 दिन आपने आंख नहीं खोली। अच्छा, पैदाइश मक्कतुल मुकर्रमा में हुई, 3 दिन आपने आंख नहीं खोली। मारूफ हो गया कि कुरैश के यहां एक बच्चा पैदा हुआ है जो नबीना है। 3 दिन के बाद आका अली सलातो सलाम तशरीफ लाए, हुजूर को जब पता चला कि बेटा हुआ है मेरे चचा अबू तालिब के घर, हुजूर तशरीफ लाए, जो ही आका अली सलातो सलाम ने आगे हजरत अली उल मुर्तजा को हाथों में उठाया, अली उल मुर्तजा ने फौरन आंखें खोल दी और हुजूर के चेहरे पर गार दी, जमा दी, आंखें खोल दी। पूरे कुरैश में खुशी की कोई इंतहा न रही। ये बाद अजां जाके आका अली सलातो सलाम ने पूछा, ए अली, वो 3 दिन आंखें ना खोलने का किस्सा क्या था? वो फरमाने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर अली ये कभी पसंद नहीं कर सकता, जब तक आप सामने ना हो तो किसी और को देखे। मैं चाहता था कि इस दुनिया में आने के बाद पहली नजर अगर किसी पर पड़नी है तो आपके चेहरे वद्दुहा पर पड़े। ये बात तो आपकी विलादत जो है हाजरीन मुकर्रम को 10 साल कबल काबा के अंदर हुई, काबा के अंदर हुई। बहुत सारी किताबों के हवाले हैं, मैं उन हवालों में नहीं जाना चाहता। आपके वालिद हजरत अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम हैं। आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। ये वो अजीम अजीम खातून है, आपके चचा और आपकी चची, जिनको जिन्होंने आका अली सलातो सलाम को बचपन में अपने पास रखा। हुजूर अली सलातो सलाम की परवरिश इनके घर में हुई, खाना पीना यहां हुआ। हजरत अबू तालिब और आपकी चची हैं जिनको जिनको आका अली सलातो सलाम अम्मी कहते थे, अपनी अम्मी जान, हजरत फातिमा बिनते असद। तो ये आपका शजरा नसब है। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते हैं, आपके दिलों की खेतियां खिल उठेंगी, आप खुश हो जाएंगे। मैं यकीन से कहता हूं आप में से एक एक शख्स के चेहरे पर अभी मुस्कान आ जाएगी 1 मिनट में। आप फरमाते हैं कि मैं ये सोचता था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की विलादत काबा के अंदर ही क्यों हुई है, काबा शरीफ के अंदर ही क्यों हुई है। तो आप फरमाते हैं अल्लाह पाक ने मेरे दिल में यह बात डाली और यह वजह बताई कि अल्लाह यह चाहता था कि अगर दुल्हन नबी के घर की है तो दुल्हा खुदा के घर का होना चाहिए। तो यह एक पेर बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। हर सू रवा हवाए खुमारे तरब है, आज बाबे कबूल वाह है, मुरादों की शब है आज, और दिल में खुशी सुरूर नजर में अजब है आज, साकी मुझे न छेड़ के तेरा रजब है आज। 13 रजब को आपकी विलादत मुबारक जो है वो मक्का में होती है। मेरी अकीदतों के लिए आसता अली, वसात में एक तारों बरा आसमा अली, खालिक की अजमतों का हसी कारवा अली, मेराज में नबी का हुआ राजदा अली, जी चाहता है बात सदा मोतबर कहूं, मौला के नक्शे पाक को मैं शम्स व कमर कहूं। बहुत कुछ कहना चाहता हूं मौला कायनात के हवाले से, लेकिन बात को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका जो लकब है वो तो शेर खुदा है, असदुल्ला है, मगर कुनियत आपकी उम्मुल हसन तो है ही के सैदना इमाम हसन, आपके बड़े शहजादे हैं, मगर आका अली सलातो सलाम ने आपकी कुनियत अबू तुराब बयान कर दी। एक दफा आका अली सलातो सलाम के ये दामाद जो हैं हजरत अली उल मुर्तजा सैयदा कायनात से किसी बात पे रंजिश हो गई, और हम भी ऐसे करते हैं मगर हमारा करना और उनका करना क्या है। वो रंजिश हो गई तो घर सोने की बजाय मस्जिद नबी के सेन में जाके सो गए। आका अली सलातो सलाम तशरीफ लाए, हुजूर ने कहा फातिमा अली कहां हैं? कहा हुजूर ये मामला हुआ और चले गए हैं बाहर कहीं सो गए हैं जाके। आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मस्जिद नबी के सहन में हुजरे में सो रहे थे, तो और देखा हुजूर ने कि आपकी कमर से कमीज मुबारक थोड़ा हटा हुआ था और वहां मट्टी लगी हुई थी, यानी मट्टी के अंदर पूरा जिस्म लगा हुआ था, जमीन पे सो रहे थे। आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके हिलाया और हुजूर ने फरमाया ए अबू तुराब उठो भाई। अबू तुराब, तुराब मट्टी को कहते हैं, ए मट्टी वाले उठो। आप आका अली सलातो सलाम ने एक और रिवायत में आता है हुजूर गर्द जारते थे, हुजूर फरमाते अबू तुराब उठ जाओ। फिर आपका लकब जो है वो अबू तुराब मुस्तकिल आपके साथ
जो है वो शामिल हो गया। हजरत एक शेर में यहां अर्ज करना चाहता हूं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह तआला अन्हो आपके हवाले से कहा जाता है कि आपका यह शेर है, वो फरमाते हैं अबू बकर हम चू काबा, अबू बकर जो है वो काबा की मानद हैं, उम्र दर तवाफ, उम्र तवाफ की तरह हैं, उस्मान आबे जमजम, उस्मान आबे जमजम हैं, अली हज्जे अकबर अस्त, और अली हज्जे अकबर हैं, अली की मिसाल हज्जे अकबर की मिसाल है। करमल्लाहु वजहहू, आपके चेहरे को अल्लाह ने वजीह बना दिया, शरफ वाला, करम वाला, बुजुर्गी वाला बना दिया। वो कैसे कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन नजरु अला वजही अलीजन इबादा, जो अली के चेहरे को भी देखेगा लिखा जाएगा कि वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। हजरत आयशा सदीका ने अपने वालिद मुकर्रम से यही बात पूछी थी, तो आका अलैहिस्सलाम पूछा था अब्बा जान जब आप अली को देखते हैं तो टिकटकी बांध कर देखते हैं, क्या वजह है? उन्होंने कहा मैंने हुजूर से सुना है अन नजरु अला वजही अलीजन इबादा। आपकी शान में इब्ने असाकर कहते हैं 300 आयात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई हैं। नाज़रीन मुकर्रम आगे चलते हैं, आका अलैहिस्सलाम और सैयदाए कायनात के दोनों शहजादों की बात करते हैं, अब आपकी औलाद की बात होगी, पहले बहन भाइयों की बात थी। हजरत हसन हुसैन, क्या हम कंबाइन उनकी चंद सिफात आप देख लें, आपके जो नाम रखे गए हसन, हजरत हसन पैदा हुए, आकल इस्लाम तशरीफ ले गए अपनी प्यारी लाडली बेटी के घर और जाके आपने कहा कि बेटे को दिखाओ, मौला कायनात लेके आए हजरत हुसैन हसन को, हुजूर ने फरमाया क्या नाम रखा है, फरमाया हुजूर हरब रखा है, एक और रिवायत में और नाम भी है, तो आकल इस्लाम ने फरमाया नहीं मेरे भाई हारून के जो बेटों के नाम थे उन नामों पर मैं नाम रखना चाहता हूं, और रिवायत में आता है कि उनके नाम शब्बीर, शब्बर और मुबशर थे, तो मानवी तौर पे आका अलैहिस्सलाम ने इनका नाम हसन रखा। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई फिर हुजूर तशरीफ जब ले गए, हुजूर ने फरमाया शहजादे को दिखाओ, शहजादे करीब आए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली क्या नाम रखा है, कहा हुजूर हरम रखा है, फरमाया नहीं हुसैन रखो, तो आका अलैहिस्सलाम ने नाम रखे, जन्नती नाम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात में इससे पहले ये दोनों नाम किसी के नहीं रखे गए, दोनों की परवरिश आगोश नबुव्वत में हुई, दोनों की मोहब्बत को हुजूर ने अपनी मोहब्बत कहा, आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत की जीनत बनाया, हुजूर ने फरमाया जन्नत का अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा कि या अल्लाह तूने वादा किया था कि तू मुझे दो अरकान से आरास्ता करेगा, तो अल्लाह पाक जन्नत को कहेगा कि क्या मैंने तुम्हें हसन हुसैन नहीं दिए, क्या मैंने तुम्हें दोनों शहजादे नहीं दिए, जन्नत यह सुनकर दुल्हन की तरह फख्रो नाज करेगी। ये वो शहजादे हैं जिनके लिए, जिनके लबों को बोसा देते हैं हुजूर, जिनके लिए सजदों को तवील किया जाता है, जिनके लिए खुतबे मौकूफ किए जाते हैं। हाजिरीन मुकर्रम बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करूंगा, थोड़े ही मिनट में इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगु मुकम्मल हो जाएगी, मगर ये जो हिस्सा है खानदान ने सैयदाए कायनात सलामुल्लाह अलैहा का, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है और दिलों को मोम कर देने वाला भी है और दिलों को शिकस्ता कर देने वाला भी है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो, आपकी जो पैदाइश है वो 3 हिजरी को होती है और आपकी शहादत जो है वो 50 हिजरी को, यानी आपकी जो टोटल उम्र मुबारक थी वो 48 साल थी। आपकी विलादत से कबल हजरत अब्बास जो आकल सलाम के चचा हैं उनकी बीवी हजरत उम्मुल फजल ने यह ख्वाब देखा कि उनके घर में कोई टुकड़ा गिरा है, नूर का टुकड़ा, तो आका अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर ने अपनी चची से बयान किया कि चची जान एक बेटा हजरत अली के घर बेटा पैदा होगा, उस बेटे की परवरिश आप करेंगी हजरत हसन। और हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं लम यकुन अहदुन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन अल हसन इब्ने अली, हजरत अनस कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम मर्दों में कोई भी हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा आका अलैहिस्सलाम के मुशाबे नहीं था। यहां मैं अपनी एक ईमान अफरोज बात करना चाहता हूँ, अलामा महमूद मसूद साहब का तो जिक्र हो चुका है, अब मैं जिक्र करना चाहता हूं हमारे दूसरे अजीम उस्ताद शोबे कोर्सेज के अलामा मोहम्मद सरफराज कादरी का, वो भी बड़े अजीम नुक्तादान मुबल्लिग और उस्ताद और स्कॉलर हैं, उनका दिया हुआ नुक्ता आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं सर आम तौर पर, और फिर हमारे साथ अलामा महताब अजहर साहब कराची से, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो वो दोनों दोस्त मुझे ये बता रहे थे
कहते हैं सर हसनी सादात जो हैं ये हुस्नो जमाल में ज्यादा होते हैं, इनमें जो सिफत है वो हुस्नो जमाल वाली ज्यादा है, और जो हुसैनी सादात हैं उनमें एसारो कुर्बानी ज्यादा है। तो कहते हैं कि मजालिस में हसनी सादात और हुसैनी सादात आपस में इस बात पे मुनाक्षा करते हैं, वो कहते हैं वाकईतन आप हसनी हैं तो हसनी उन नस्ल जो है वो हुस्न में ज्यादा है, चूंकि वो आका अलैहि सलातो सलाम की हजरत इमाम हसन शबी थे और हजरत हुसैन अलैहि सलाम जो हैं वो भी आका अलैहि सलातो सलाम की शबाहत इख्तियार किए हुए थे, मगर कंपैरेटिवली हजरत हसन ज्यादा थे। कुछ रिवायात में आता है कि ऊपर वाला हिस्सा हजरत हसन हुजूर की शबाहत थी और नीचे वाला दर आका अलैहि सलातो सलाम की शबाहत में सैयदना इमाम हुसैन थे। बहरहाल आपकी विलादत मैंने अर्ज किया, फिर हिजरत के चौथे साल आपकी विलादत होती है और पांच शाबान को आपकी विलादत हुई। अकलम ने आपके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, माजरत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अब हम बात करते हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकलम के नवासे हैं, बहुत ही लाडले नवासे हैं। आपने बेशुमार उनके बारे में हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैनन, या अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी मोहब्बत कर। हुसैन हुसैन उसी तुम मिनल असबाद, हुसैन नवासों में से एक नवासा है। फिर हाजरीन मुकर्रम इतना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से आका अली सलातो सलाम ने आपके रोने को फरमाया कि ये आपका रोना मुझे तकलीफ देता है, और आका अली सलातो सलाम को आपकी शहादत की जब खबर मिली, पता है जिब्रील अमीन ने जो वो मट्टी ला के दी थी शीशी और फरमाया था हुजूर आपकी उम्मत का ही एक गरो आपके इस नवासे को करबला के मैदान में शहीद कर देगा, मैं वो मट्टी लेकर आया हूं। वो जो मट्टी शीशी में थी और कहा था या रसूल सल्लम, वो हुजूर ने वो उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को वो मट्टी दी थी, कहा है उम्मे सलमा जब ये मट्टी खून बन जाए सुर्ख हो जाए तो समझ लेना करबला के मकाम पर मेरे इस नवासे को शहीद कर दिया गया है। यहां ये बात, अब आप यहां से कुछ इंपॉर्टेंट मैं नुकता आपके सामने पेश करना चाहता हूं, एक दर्द दिल की बात भी आपसे करना चाहता हूं, वो ये है हाजरीन मुकर्रम के हजरत इमाम में हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो को जहर दिया गया था, जहर से शहीद किया गया आपको, जहर देकर आपकी विसाल हुआ। हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम आपको सबके इल्म में है कि आपकी शहादत जो है वो करबला में हुई। फिर आगे उनके बेटे हैं सैयदना जैनुल आबिदीन, आप 38 हिजरी मदीना मुनव्वरा में पैदा होते हैं और आपकी उम्र मुबारक जो मुकम्मल है वो 94 या 95 साल है। आपको पता है ना हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हो जो हैं ये करबलाए मुअल्ला में थे, मगर उस वक्त अलील थे और नहीफ थे जिस वजह से ये जंग नहीं कर सके थे। ये और इनके आगे बेटे हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत इमाम बाकर वो बहुत छोटे 3 साल के थे, तो ये दोनों उस वक्त करबलाए मुअल्ला से बचे थे। तो ये इनकी जो वालिदा हैं इमाम जैनुल आबिदीन की, वो शाह ईरान जब ईरान फतह हुआ, शाह ईरान का बादशाह है यजद गर्द दोम, उसका लकब है नौशेरवान आदिल, ये उसकी बेटी हैं, नौशेरवान आदिल की बेटी हैं शहरबानो, उनके बेटे हैं हजरत जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन आपको इस वजह से कहा जाता है कि आप कसरत इबादत बहुत करते थे, सजदे बहुत करते थे। हदीस मुबारका में है कि क्यामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाएगा, मुनादी निदा देगा कि वो जो सैयदुस साजदीन है वो खड़ा हो जाए, तो पूरे अहले महशर जो हैं वो सकते में होंगे कि कौन है भाई, किसको मुखातिब किया गया है। तो सैयदना इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हो आप खड़े होंगे, उस रोज आप खड़े होंगे। फिर हाजरीन मुकर्रम आपके लखते जिगर हैं आगे इमाम जैनुल आबिदीन के। अच्छा, इमाम जैनुल आबिदीन सखा में अता में जूदो करम में भी जब आपका विसाल मुबारक हुआ तो मदीना के अंदर 100 फैमिलियां ऐसी थी, 100 फैमिलियां, आपके विसाल के बाद पता चला कि मुस्तकिल जो उनका राशन लगा हुआ था, आप रात के अंधेरों में राशन की बोरियां अपने कंधे पे उठा के बगैर बताए लोगों के घरों में पहुंचाते थे। आपके विसाल के बाद अहले मदीना को खबर हुई कि पूरे मदीना के अंदर गुरबा के अंदर फुकरा के अंदर जो राशन तकसीम करते थे वो तो जैनुल आबिदीन थे, अब वो राशन नहीं आता था। फिर
उनके बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हो। इमाम मोहम्मद बाकिर जो हैं, इनकी जो जौजा हैं वो उम्मे फरवा उनका नाम है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की पोती हैं। उनके साथ शादी होती है। आपकी विलादत जुमा के दिन हुई, 57 हिजरी को हुई। और हाजरीन मुकर्रम, यहां ये बात करना चाहता हूं कि ये वो दौर था जो बहुत ही पुरअशोभ दौर था। यहां पे आइम्मा अहले बैत के खिलाफ, वो तो मैंने कहा ना, हजरत इमाम हसन को भी जहर से शहीद किया गया, इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया, इमाम जैनुल आबदीन के बाद फिर यहां इमाम जैनुल आबदीन को भी, इनकी जो शहादत है जैन से हुई थी, इनकी शहादत भी 95 हिजरी में शाम से किसी ने इनको एक तोहफा ला के दिया जीन का। जीन कहते हैं जब घोड़े पे चढ़ते हुए रुकाब पे पांव रखते हैं, जिस चीज पर पांव रख के घोड़े पे चढ़ते हैं उसको जीन कहते हैं, उसके साथ जहर लगा दिया। और जब आप घोड़े पे चढ़ने के लिए आपने पांव रखा वो तोहफा वसूल करने के बाद, तो उस जहर का असर आपके जिस्म अकदस में इतना आ गया कि आपकी शहादत हो गई। बाद आपको भी जहर दिया गया, जहर से शहादत हो गई। सैयदा कायनात के सब शहजादों के साथ ये मामलात होते रहे। और फिर आगे देखें, इमाम मोहम्मद बाकिर जो हैं, इनका नाम मोहम्मद था, आका अली सलातो सलाम ने इनके लिए सलाम भेजा। आका अली सलातो सलाम ने हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के लिए, और आपने फरमाया ये किया कि करबला में भी थे, करबला मोहल्ला के अंदर भी। यहां एक अजीम रिवायत हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, आका अली सलातु सलाम सहाबी कहते हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैं हुजूर की खिदमत अकदस में हाजिर था, इस दौरान आपके पास हुसैन, हजरत इमाम हुसैन आए, आपने इन्हें अपने सीने मुबारक से लगाया और इनका बोसा लेकर इन्हें अपने मुबारक पहलू में बिठा लिया। फिर आपने फरमाया मेरे इस बेटे के यहां एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अली होगा। इमाम जैनुल आबदीन की बात हो रही है, उनका नाम अली था मगर उनकी इबादत और सजदों की वजह से उन्हें जैनुल आबदीन कहा जाता था। और फिर फरमाया जब क्यामत का दिन होगा तो एक निदा देने वाला अर्श की गहनाइयों से निदा देगा, सैयदुल आबदीन जो मैंने बात की है, और वो सारी बात करके हुजूर ने फरमाया ए जाबिर जब उसे देखो तो मेरी तरफ से उसे सलाम कहना और जान लेना कि उस दिन के बाद तुम्हारी जिंदगी कम रह जाएगी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हो उस वाकया के कुछ 10 दिन के बाद आपकी आपका विसाल हो गया। हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह तआला अन्हो की बात हमने की कि ये आप अपने वालिद हजरत इमाम जैनुल आबदीन के साथ करबला मक्का से मदीना से मक्का, मक्का से करबला और फिर आगे भी सफर में शरीक रहे। और मैंने जैसे अर्ज किया कि जीन के तोहफा दिया गया जहर की वजह से आपकी शहादत हुई। फिर आपके जो आगे बेटे हैं हजरत सैयदना इमाम जाफिर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हाजरीन मुकर्रम आपकी जो विलादत है वो 83 हिजरी में 17 रबीउल अव्वल को होती है, और 12 साल आपने इमाम जैनुल आबदीन यानी आपके जो जद्दे मुबारक थे, दादा थे, उनके जेरे तरबियत आप रहे। उसके बाद ये जो इमाम जाफिर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हाजरीन मुकर्रम ये इल्म व फजल में यकताए रोजगार हस्ती थे अपने दौर की। आपको मैं चंद मिसालें देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। आपके शागिर्दों में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत सुफियान सौरी आपके शागिर्दों में है। इमामुल फिक, इमाम आजम फिल फिक, इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके शागिर्दों में है। इमाम फिक इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके शागिर्दों में है। जदीद केमिस्ट्री का बानी जाबिर बिन हयान आपके शागिर्दों में है। और सूफिया के इमाम हजरत बायजीद बस्तामी फिर आपके सिलसिलाए शागिर्दी में है। हजरत इमाम जाफिर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा कौनैन के वो अजीम शहजादे हैं कि कदीम उलूम, जदीद उलूम, केमिस्ट्री के उलूम, फिक के उलूम, तसव्वुफ के उलूम और इसी तरह फिर हदीस के उलूम, सारे के सारे जितने बड़े आइमा हैं उन सब ने इमाम जाफर सादिक की चौकट से लिए हैं। और क्यों ना हो कि ये बेटे हैं बाब मदीनतुल इल्म के। उसके बाद आपके वालिद मुकर्रम हजरत इमाम मूसा काजिम, ये मैं इनकी बात मुख्तसर करूंगा, हजरत इमाम मूसा काजिम और आगे उनके बेटे हजरत इमाम तकी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दो वो इमाम हैं हाजरीन मुकर्रम जो बगदाद शरीफ में जिनका मदफन है, बगदाद में मदफून है और एक ही जगह पर रोजा है, उसको काजमैन शरीफ एन कहा जाता है। बगदाद में तीन हिस्से हैं,
एक जहां हुजूर गौसे पाक हैं उसको बाप शेख कहते हैं, जहां पे इमाम आजम हैं उसको आजमिया कहते हैं, और जहां इमाम मूसा काजम और इमाम तकी रदी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं उसको इकबाजमैन शरीफैन कहते हैं। हजरत इमाम गजाली कहते हैं, इमाम गजाली कहते हैं कि इमाम मूसा काजम को आपके दरबार को मैंने दावात के लिए और दुआओं के लिए मुजर्रब पाया है, यहां दुआएं कबूल होती हैं, और आपका नाम काजम इस वजह से पड़ गया कि आप गुस्से को बहुत पीते थे, गुस्सा पी जाने वाले शख्स थे। नाम आपका वैसे मूसा था, कुनियत अबुल हसन थी, लकब काजम था, गुस्सा को पीते थे। आपके ऊपर भी हाजिर मुकर्रम बहुत जुल्म हुआ, बहुत सारे हुकाम ने इनको कैद में डाला और फिर कैद से रिहा होते बिल आखिर एक जल्लाद था हारून रशीद अब्बासी के दौर के अंदर, सनदी बिन शाहक एक जल्लाद खबीस जल्लाद था, उसने आपको कैद खाने में जहर दे दिया, जिसकी वजह से एक अलमनाक शहादत के साथ आप सरफरोज हुए, आपकी शहादत हो गई, शहादत हो गई। इनकी शहादत भी जहर से हुई है हाजरीन मुकर्रम। फिर आगे इनके बेटे हैं हजरत इमाम अली रजा अलैहि सलाम, उनकी विलादत 11 हिजरी को है और 11 जिलहज 148 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में है। आपका जो नाम है वो अली है मगर लकब रजा और कुनियत जो है वो अबुल हसन है। बहुत सारे अइमा किराम की कुनियत अबुल हसन है। कुनियत कहते हैं जो पहले बेटे के नाम पे नाम रखा जाता है, जैसे हुजूर के पहले शहजादे का नाम कासिम था तो हुजूर की कुनियत अबुल कासिम पड़ गई। आपकी शहादत भी नाजरीन मुकर्रम वो जहर की वजह से हुई। आपको अंगूरों के अंदर शहद मिला के दिया गया, अंगूर दिए गए और उनमें शहद लगा हुआ था, आपने वो अंगूर तनावल फरमाए तो उसकी वजह से जहर के असरात जिसमें इस कदर फैल गए कि आपकी शहादत हो गई। आगे फिर हजरत इमाम तकी हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, उनकी भी इसी तरह आगे शहादत होती है। उसके बाद हजरत उनके आगे बेटे हजरत इमाम अली नकी हैं, फिर हजरत इमाम अली नकी जो हैं इनको भी हाजरीन मुकर्रम जहर दिया गया। आप 3 रजब 254 हिजरी को शहीद हुए और आपकी विलादत है 5 रजब 214 हिजरी को, आपको भी जहर देकर शहीद किया गया। ये हजरत इमाम मूसा काजम और इमाम नकी तो मैंने अर्ज किया ना बगदाद शरीफ में है, और फिर उसके बाद मैंने अर्ज किया कि हजरत इमाम अली रजा ये ईरान में है मशहद में है, और फिर हजरत इमाम हसन अस्करी रजी अल्लाह तआला अन्हो ये सामर्रा शहर है बगदाद से को 250-300 किलोमीटर दूर, मैंने जियारत की है, ये वहां पे हैं। और इनके वालिद हजरत इमाम अली नकी को भी जहर देकर शहीद किया गया। हाजरीन मुकर्रम इनके बेटे इमाम हसन अस्करी जिनकी विलादत जो है 10 रबीउल अव्वल 232 हिजरा में हिजरी में हुई मदीना मुनव्वरा में, आप हैरान होंगे कि इनको भी जहर दे के शहीद किया गया। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अहले बैत अतहार की इन जय्यद और अजीम और सैयदा पाक की इस अजीम शान औलाद को बार बार यके बाद दीगरे शहादत से ये सरफराज होती रही, इनको जहर दिया गया। अभी हमारा लेक्चर जो है सिर्फ 2-3 मिनट का रह गया है, अपने इख्तिताम की तरफ है हम हाजरीन मुकर्रम। आखिरी वो शख्सियत जिनकी मैं बात करना चाहता हूं वो सैयदना इमाम महदी हैं अलैहिस्सलाम, इमाम महदी अलैहिस्सलाम। आका अलैहिस्सलाम ने हुजूर ने फरमाया दुनिया उस वक्त तक खत्म ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स जो मेरा हम नाम होगा वो अरब का हुक्मरान ना बन जाए। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं रदी अल्लाह तआला अन्हा, फरमाती हैं हुजूर ने फरमाया अल महदी मिन इतरती मिन वलदी फातिमा, महदी मेरी इतरत यानी मेरी औलाद से होगा और फातिमी होगा, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होगा। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली हैं जो अलामात मैं बताने लगा हूं, शायद आज के लेक्चर के सवालात का भी कोई हिस्सा है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया महदी मुझसे होंगे, उनका चेहरा खूब नूरानी होगा, चमकदार होगा, नाक सुतवा और बुलंद होगी, वो जमीन को अदल से भर देंगे जिस तरह उनसे पहले जमीन जुल्म से और फिस्क व फजूर में भरी होगी, और वो 7 साल तक हुक्मरानी करेंगे।
हुजूर ने फरमाया उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी वालिदा का नाम आमिना होगा, वो वालिद की तरफ से हसनी होंगे, वालिदा की तरफ से हुसैनी होंगे, उनके कंधों के दरमियान मेरे नाम की हुजूर ने फरमाया मोहर होगी, उनके हाथ में मेरी तलवार होगी, उनकी शख्सियत और हुसन अरबी होगा और उनका कद मुबारक जो है वो अजमी होगा, यानी अरबो अजम का एक हसीन इम्तजाज होंगे, उनके सर पर इमामा होगा, वो कमली ओढ़े हुए होंगे। ये सीधा इमाम महदी अलैहि सलाम के हवाले से चंद अलामात आका अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाई। एक बड़ा अजीम शान नाम जो मैं समझता हूं अगर रह जाता तो बड़ा आज के लेक्चर के साथ एक ज्यादती होती, वो इमामुल आशिकाम और इमामुल औलिया हुजूर गौसुस सकलैन गौसुल आदम रजी अल्लाह तआला अन्हो सैयदना शेख अब्दुल कादर गिलानी, ये भी सैयदा पाक की औलाद पाक में से हैं, वालिद की तरफ से हसनी हैं, वालिदा की तरफ से हुसैनी हैं। आपका नाम अब्दुल कादर है, आपकी कुनियत मोहम्मद है, आपका लकब मुहियुद्दीन है, आपकी विलादत अव्वल रमजान 470 हिजरी में हुई, आपकी वफात 561 हिजरी में यानी 91 ईयर ओल्ड आपकी उम्र मुबारक थी। हाजरीन मुकर्रम यहां पर मैं ये बात आखिरी जुमला बयान करने वाला हूं वो ये है कि आप गौर करें कि सैयदा पाक के तमाम शहजादों को एक एक करके जहर क्यों दिया गया। मोस्टली वो शहजादे हैं कि जिनको जहर दे दिया गया, और आप गौर करें वो जो नाद का शेर है ना, सबकी कब्रें हैं ठिकाने हैं मदीने में मगर बेवतन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। आप इमाम मूसा काजम को देखते हैं वो बगदाद में हैं, आप इमाम तकी को देखते हैं बगदाद में हैं, इमाम हसन अस्करी को देखते हैं समर्रा में हैं, इमाम अली रजा को देखते हैं वो हाजरीन मुकर्रम वो ईरान में हैं, और इसी तरह फिर आपकी आगे औलादे हैं। फिर वो क्या वजह थी, दो वजूहत थी, दो वजूहत की बुनियाद पर सादात वहां से नकल मकानी पर मजबूर हुए। पहली वजह तो दीन की तबलीग थी, जाहरी बात है, और दूसरी वजह यह थी कि वक्त के हुक्मरानों ने, नाम निहाद मुस्लिम हुक्मरानों ने जो अहले बैत से बुग्ज़ रखने वाले थे, सैयदाए कायनात के नाम से अदावत रखने वाले थे, आका अलैहिस्सलातो सलाम की इतरत से जिनके कुलूब व ज़हान बुग्ज़ से हसद से कीने से भरे हुए थे, उन बदबख्तों ने इन अजीम नफूसे कुदसिया का जीना मदीना में हराम कर रखा था, अरब के खित्ते में हराम कर रखा था। यही वजह है कि हम देखते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी हमें यहां नजर आते हैं, कराची में नजर आते हैं, हजरत मीरा हुसैन जंजानी लाहौर में नजर आते हैं, उनके बाद हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी लाहौर में नजर आते हैं, सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, ये फिर सारे सादात अरब से धकेल दिए गए, अरब से हिजरत पर मजबूर कर दिए गए, और मजबूर करने के बाद कोई बुखारा में आके रहा, कोई समरकंद में आके रहा, कोई अफगानिस्तान में आकर रहा, कंदार में आकर रहा, और फिर इनकी औलादें आगे फिर आगे बिखरती चली गईं। उच शरीफ में सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी हैं, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, यहां मैंने अर्ज किया मीरा हसन जंजैनी हैं, अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ हुजूर दाता गंजे बख्श हैं, और सैयद मोहम्मद जिनका नाम सैयद मोहम्मद है मगर वो मारूफ हो गए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, वो इंडिया में है। हर जगह पर आपको सैयदाए कायनात की आल और इतरत इस तरह बिखरी हुई नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि अब्बासी खुलाफा हो या अमवी खुलाफा हो, उनकी अक्सरियत ने अहले बैत इतहार के साथ बुग्ज का ताल्लुक रखा। याद रख लें, याद रख लें, याद रख लें, हुजूर ने वो कलिमात जो मैंने सबसे पहले बयान किए, हुजूर ने फरमाया सुनो दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान है और मेरी अहले बैत है, कुरान को भी थामे रखना और मेरी अहले बैत को भी थामे रखना। फइन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी, अगर इन दोनों को मजबूत पकड़े रखोगे फिर मेरे बाद गुमराह नहीं हो सकोगे। लेकिन सुनो, दोनों के बारे में बात की लेकिन इतरत के बारे में तीन दफा कहा, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। लोगो, मेरी इतरत के बारे में खुदा से डरना, मेरी औलाद के बारे में, मेरी बेटी की औलाद के बारे में, मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरना। मगर उम्मत के वो बदबख्त लोग जो अपने कीना की वजह से, दुनियावी मफाद की वजह से, हुकूमत और सल्तनत के उसूल की वजह से हमेशा इनसे खाइफ रहे कि कहीं खिलाफत इनमें ना चली जाए, सियादत इनमें ना चली जाए, मैं समझता हूं आज और तब खिलाफत और सियादत के हकदार हमेशा से ये वो घराना है जो मालिकों का घराना है।
देखें वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल आलमीन है, आगे सैयदाए निसाउल आलमीन है, ये तो पूरी कायनात के मालिक हैं। रह गई बात अगली दुनिया की, तो वहां तो सैयदा शबाबी आलिल जन्ना, इन्हीं के बेटे अगली दुनिया और जन्नतों के भी मालिक हैं। ये मालिकों का घराना है, इस मालिकों के घराने से हमें मोहब्बत करने की जरूरत है, सैयदाए कायनात के दर की गदाई की जरूरत है। इस दुआ के साथ आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहता हूं कि सैयदाए पाक हमारी तहरीक मिनहाजुल कुरान की और जो जुमला अहबाब इस कोर्स अजीम शान कोर्स के साथ जुड़े हैं उन सब की इस नौकरी को सैयदाए पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं और कल क्यामत के रोज अपने बाबा से कह के हमारी शफात फरमाएं। हौज़े कौसर पे हमें पानी पीना आबे हयात पीना नसीब हो, आका अली सलातु सलाम के लिवा अलहम्द के नीचे जमा होना नसीब हो। हमने जो जिक्र किया आज अहले बैत अतहार का और सैयदाए कायनात के खानदान मुबारक का, अगर इसमें हमसे कोई कमी कोई कजी कोई हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमने हमें मुआफ फरमाए और हमारी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।